हाय कृष्णा, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। कैसे हो किड्डा जी? लड्डू जी कैसे हो? आज रीता जी के हलवे में क्यों नहीं आए आप? गुड नाइट। ओके ओके, आप सो रहे हो, ठीक है, सो जाओ। खाना खा लिया आपने? लाइक थैंक यू, थैंक यू लाइक के लिए मुझे मिला फर्स्ट लाइक। आज जल्दी सो रहे हैं कृष्णा आप? प्लीज़ मैसेज करिए, कौन की वॉचिंग है, कृष्णा आप है, मैसेज करिए। क्या हुआ? पापा ने फोन ले लिया था। कृष्णा आप हैं तो मैसेज करिए प्लीज। बेटा आप नहीं, और कृष्णा है, और कोई कृष्णा नहीं हो सकता। चलो चलिए आज का करते हैं, चलो 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 चलिए, आपका केक भी देना है ना, चलो। हाय प्रीति, वेलकम, लाइक डन, थैंक यू थैंक यू। कोई नहीं था तो फिर मैं चली गई थी अंदर। कैसे हो, डिनर हुआ प्रीति? आ रुको मैं आती हूँ ना। हाँ चलो 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 जल्दी चलो, आओ इधर। नहीं करो नहीं करो कृष्णा। नहीं मार दे बेटा, चलो सॉरी सॉरी होस्ट। यस मैं हूँ प्रीति, बस थोड़ा सा कृष्णा को कर रही थी पैन पैन
बनाना है। हाउ आर यू फाइन ईयर? मैं अच्छी हूँ प्रीति। ललन जी वेलकम। राम राम जी। नमस्ते नमस्ते जी। ललन जी कैसे हैं? खाना बनाया आपने? रुको रुको पैन आते चलो। लाला आए। प्रीति जी नमस्ते बोल रहे। ललन जी डिनर बना लिया आपने? किड्डू जी अरे आप तो यकीन नहीं करोगे, मैंने खा भी लिया, आज खा भी लिया, सब काम हो गया है, बस बर्तन रह गए हैं तो वो बाद में होगा। थोड़ा लंच पहले हो गया था ना तो भूख लग गई तो मैं खा, नहीं तो लंच लेट होता है तो भूख ही नहीं लगती इतनी जल्दी, फिर लेट खाते हैं। आपने खा लिया? ललन जी आपका खाना बन गया, अभी तो खाए नहीं होंगे आप ना, तो ऐसे 1 आवर 2 आवर खींचते हैं। लला हाउ आर यू? ओ ग्रेट डियर। यस आज मैं आपके टाइम से सब कुछ फॉलो की, लंच भी थोड़ा ही खाया था तो भूख लग गई थी। ललन जी बोल रहे हैं फाइन, चलो गया मेरा। ओके ओके प्रीति जी ललन जी बोल रहे हैं। हाँ जी ट्रक नहीं है, कार है, आप अंदर जाओ बेटा, यहाँ से फेंक दो। बारिश नहीं है, ले जाना है इसको। हाँ ठीक है। प्रीति जी म्यूट हूँ किधरी? ओके ओके ललन जी ऑन रखिए, कोई बात नहीं है। और प्रीति कैसा रहा आज का? एलवी तो ठीक ठाक था, अभी बहुत भी होती है इस टाइम आप लिए। हाँ कोई बात नहीं ललन जी, आप कर लीजिए। क्या कुकिंग किया आपने? आपने क्या खाया प्रीति? वन आवर किया सिस एलवी टुडे। ओहो सिर्फ 1 आवर ही हुआ, हो जाता है प्रीति। मेरा भी ना कभी ऐसे रहा, मतलब कल दिन में इतना अच्छा था, रात का ऐसे खींच खींच के 3 घंटे चले, और 3 घंटे किए बट टाइम बहुत कम मिला क्योंकि एक लोग दो लोग ऐसे थे। और उसके पहले वाले दिन तो दिन में भी बेकार रात में भी बेकार, सिर्फ 1 घंटे दिन में किए 1 घंटे रात में, 10 बजे तक फिनिश हो गया मेरा। प्रीति जी वेज बिरयानी थी। अच्छा आपका डिनर हुआ प्रीति जी। आजकल ऐसे के कर रही हूँ यार, 2 आवर नहीं करती। अच्छा हाँ तबीयत ठीक नहीं है ना आपकी, इसलिए चपाती डियर। ओके ओके तबीयत की वजह से ना प्रीति, मैं तो वीडियोस नहीं बना पा रही ना, इसलिए सोचती हूँ कि चलो लाइव कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि वीडियो से कुछ नहीं आता यार व्यूज़। ओ लल्ला वेज बिरयानी यम्मी यम्मी चपाती ललन जी। हाय मनोज जी वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, कैसे हो? हाय बोल रहे हैं और ललन जी बोल रहे हैं यस। प्रीति बोल रही हैं यस डियर। और आर्ट हाय आर्ट वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, कैसे हो आप? मेरे साथ कोई कनेक्ट होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा ललन, सॉरी आर्ट जी, आप सबको फ्रेंड बना लो जो न्यू है। आप कहाँ से हैं आर्ट? म्यूट ऑफ, म्यूट अभी ऑफ कर दिया, अभी आवाज़ सुन रहे हैं ललन जी। हाय टूरिज्म मनोहर जी बोल रहे हैं। मनोहर जी आर्ट से कनेक्ट हो जाइए, टूरिज्म भी न्यू है तो कनेक्ट हो जाइए। हम वीडियोस के व्यूज़ आए तो अच्छा होता है सिस, डब्ल्यूटी सुपर बनता बढ़ता है। नहीं प्रीति आपके उस टाइप के है ना, मतलब आपकी जो वीडियोस की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, आप क्लिप्स लेते हो ना
और हमारी उतनी अच्छी नहीं रहती ना, तो न्यू व्यूज़ नहीं आते हैं, बहुत कम आता है। जो मतलब फ्रेंड्स कनेक्टेड है ना उनके आते हैं, तो उतना नहीं बनता है। मनोज जी बोल रहे हैं हाय ललन जी, ललन जी बोल रहे वीना जी आपका डिनर था। हाँ ललन जी आज मेरा डिनर हो गया है। और जी बोल रहे हैं ललन जी, अच्छा, आज मैंने सब खाना वाना खा लिया, सारा काम जल्दी हो गया। मैं दूसरे लोगों की एलबी में थी उस टाइम, आपने खाना बनाना स्टार्ट किया तो सारे काम हो गया, बर्तन रह गए हैं तो वो रात सोने से पहले करूँगी। प्रीति बोल रही है मनोहर हाई वेलकम, मनोज जी बोल रहे हैं हाय आर्ट, ललन जी बोल रही है मनोज जी नमस्ते आर्ट, आप हैं तो प्लीज़ फ्रेंड बना लो। हवा काफ़ी तेज़ है, हाँ ललन जी यहाँ पे हवा बहुत तेज़, विंटर वाला कुछ था ना वो। चिंकी जी हाय, क्या हुआ ये डीपी चेंज कर लिया यार, मैं तो पहचानी ही नहीं। लाइक डन, थैंक यू, डीपी चेंज किया चिंकी जी, पहचान नहीं पाई मैं। ललन जी बोले मनोज जी ऑल्सो आई डन ओके। चिंकी जी बोल रही हाय कैसी हूँ मैं, अच्छी हूँ चिंकी जी, साफ बताओ आज आपका कोई वीडियो तो आया है, मैंने देखा था नोटी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी शेयर कर देना ताकि मैं बाद में देख लूँगी टाइम मिला जब मिलेगा तो। और किटी पानी, अरे यार बहुत ठंडी लग रही है, पानी मत दो। चिंकी जी बोल रहे हैं ललन जी बोल रहे हैं चिंकी जी नमस्ते, चिंकी जी बोल रहे हैं का, मनोज जी बोल रहे हैं हाय चिंकी जी, चिंकी जी बोल रहे ललन हाय, आर्ट बोल रहे हैं टूरिज्म एलटी के साथ तन ओके। और चिंकी जी आप भी कनेक्ट हो जाइए आर्ट जी से। ललन जी बोल रहे हैं चिंकी जी वाटर मेलन आती हूँ, बोल रहे हैं चिंकी जी। प्रीति बोल रही है मनोहर डन चेक बैक, प्रीति हाइड में गया मैसेज, ठीक है मनोहर जी आपको टूरिज्म ने किया है उन्हें वापस कर दो। ललन जी बोल रही है वीना जी चाय फिर ये, हाँ ललन जी कप कॉफी बुक कर ली क्योंकि मैंने सब पहना हुआ है, फिर भी हवा तेज है ना। ललन कर जी वापस बोल रहे हैं आज जी, तो ललन जी वापस कर दीजिए। ललन कर वापस तो कर दीजिए ललन जी। वेट भाई बोल रहे हैं ललन जी, हाँ एक एक करके सबको कर देंगे, आप लोग वेट कर लो। गास भाई राम राम, कैसे हैं? प्रीति बोल रहे हैं आर्ट नहीं मिला, किसमें लेटर दिया? तो आर्ट आप उनके कम्युनिटी पे लेटर कर दो भाई, वहाँ से वो इजली कर देंगी। ललन कर डन एंड थैंक यू, अच्छा उन्होंने कर दिया आपको। बंदा गुरुजी वेलकम बोल रहे हैं टूरिज्म। चिंकी दीदी कनेक्ट होंगे क्या? हाँ हो, वो फ्रेंड आती हैं आर्ट, आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। मनोहर बोल रहे हैं डन वापस प्लीज। चिंकी जी मैसेज हाइड में गया है, मनोहर जी ने आपको किया है तो उन्हें वापस कर दो। विकास भी बोल रहे अच्छा हूँ जी, प्रीति जी राम राम जी, खाना हो गया विकास भाई। प्रीति बोल रहे हैं गुरु जी नमस्ते, अप्सरा म्यूजिक आई है, हाय अप्सरा जी वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, कैसे हो? हेलो सिस्टर नमस्कार, नमस्कार कैसे हो आप? और NGPL जी आए हैं बहुत दिन बाद, वेलकम, कैसे हैं आप? न्यू चैन न्यू कम बेल के साथ, तो आर्ट आप कनेक्ट हो जाओ न्यू जो लोग भी आते हैं, और चिंकी अगर आप हैं तो भी आप भी कनेक्ट हो जाओ।
विकास भाई बोल रहे हैं हाँ हुआ, आज मेरा भी हो गया है विकास भाई। क्या खाया आपने विकास भाई? प्रीति बोल रहे हैं हाउ आर यू गुरुजी। मनोहर बोल रहे हैं हाय अप्सरा। और चिंकी वापस प्लीज, तो शायद वो करने गई हैं। मनोहर जी वेट कर लीजिए, चिंकी जी आप हैं तो प्लीज़ मनोहर जी को वापस कर दीजिए। विकास भाई बोल रहे आज टर्की ने दिमाग खराब कर दिया। सही में आपका ना जस्ट है ना वो दिमाग वाला, दिमाग का दही करने वाला है। चिंकी जी बोल रहे हैं ऑल डन। ओके तो मनोज जी आपको चिंकी जी ने कर दिया है। चिंकी जी NTPL जी आए हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए, पुराने हैं वो मेरे फ्रेंड। और अप्सरा जी आए हैं उनसे भी कनेक्ट हो जाइए। हाय NTPL बोल रहे हैं मनोहर। अप्सरा सिस बोल रहे हैं हेलो ऑल इन वन मेरे घर आओ जी। तो मनोहर जी चले जाओ, अप्सरा जी आपको बुला रहे हैं। चिंकी जी बोल रहे हैं ऑल इन वन डन। हाँ मनोहर जी को किया है ना, मैंने बताया उनको सारा। हाय वेलकम, आज तो बिल्कुल टाइम से। ओहो सोनिया, ओ माहिया, ओ जिंदगी की गुजरना तेरे बिन नहीं होना, इश्क है तुमसे यारा तेरे बिन नहीं जीना, किसके लिए है सारा ये। प्रीति बोल रहे अप्सरा हाय। चिंकी जी बोल रहे कम। सारा बोल रहे हाय दी, थैंक यू सो मच सारा, आप बिल्कुल टाइम से आए। एंड आर्ट बोल रहे हैं 771 चिंकी, लेटर बाद में दूंगा। हाँ लेटर अभी मत करना भाई। विकास से बोल रही प्रीति जी मैं अच्छा इस बार गुरु जी बैंड बजी हुई है। गुरु जी की बैंड बजी हुई है सही में। सारा बोल रही हाय एवरीवन हाउ आर यू ऑल, प्रिंसेस इज हेयर। आर्ट कंटेंट डन। ओके आर्ट आपको ललन जी ने कर दिया है, ललन KR जी ने, आप देख लीजिए। टूरिज्म बोल रहे हैं सारा हाय डियर। चिंकी जी बोल रहे हैं सारा हाय कैसे हो। अप्सरा बोल रहे हैं हेलो टूरिज्म। सारा बोल रही है दीदी बेबी क्या कर रहा है, उसको आज न्यू कार लाके दिया है, अभी आया था वो, गया अपनी कार के साथ खेलने। और ललन जी बोल रहे हैं विकास जी राम राम। विकास अरे सारा आ गई। हाँ विकास भाई बहुत लेट आती, आज जल्दी आ गई है। सारा बोल रही है फूड डी कैसे हो आप। ललन जी बोल रहे हैं सारा जी राम राम। चिंकी जी बोल रहे हैं आर्ट लेटर नहीं चाहिए, तो आर्ट आप लेटर मत करना चिंकी फूड को, बस आप वेल के साथ कर दो। प्रीति बोल रही है विकास जी और हंस रहे हैं। मनोज जी बोल रहे हैं अप्सरा ओल्ड है। विकास भाई बोल रहे हैं ललन भाई राम राम जी। सारा बोल रहे हैं ललन दा कैसे हो आप। अप्सरा बोल रहे हैं हेलो ललन कर जी। और चिंकी जी बोल रहे हैं सारा ठीक। सारा बोल रही है ब्लाइंड जी कैसे हो आप, घर पर सब कैसा है। ललन जी बोल रहे हैं सारा जी हम अच्छे हैं जी, आप कैसे हैं। प्रीति बोल रहे हैं सारा जी सब लोग कैसे हैं। विकास भी बोल रहे टर्की वालों ने इतना बड़ा एंथम बनाया है ना पूछो। ओ हमें तो पता ही नहीं यार कुछ भी, सही में आप बना रहे हो तो वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत मालूम चलेगा। सारा बोल रही विजिट टी सब लोग ठीक हैं थैंक यू। सारा बोल रही ललन भाई ठीक हूँ, घर आपके घर पर सब कैसा है। आर्ट बोल रही सारा कर दिया लेटर बाद में दूंगा। ललन जी बोल रही सारा जी वेलकम। विकास भाई बोल रहे हैं सारा जी घर पर सब ठीक है, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। तो काम कर लो विकास भाई, LV मतलब ज़रूरी नहीं है, आप अपना काम जल्दी से पूरा करो वो ज़रूरी है। और सारा बोल रहे हैं थैंक्स दादा। आर्ट बोल रहे हैं चिंकी कर दिया है, तो आर्ट आपका ये मैसेज हाइड में गया। ओके चिंकी आपको आर्ट ने कर दिया है। प्रीति बोल रहे हैं विकास ब्रो वीडियो बना लिया आपने, वीडियो बना लिया आपने। नहीं, उसी के चल रहे हैं कि दिमाग के चक्कर हो रहा है, वो बहुत टफ है ना उनका प्रोजेक्ट। सारा बोल रहे हैं थैंक्स आर्ट जी, सब अच्छे हैं जी। सारा जी हाय साबिर वेलकम, आज आप भी पहले आ गए कैसे हो। विकास बोल रहे हैं सारा जी कैसे कैसे हो आप। और साबिर बोल रहे हैं कैसे हो किड्डू दीदी, तो मैं अच्छी हूँ साबिर, आप बताओ कैसे हो, खाना वाना हो गया आपका या बाहर घूम रहे हो। चिंकी जी बोल रहे हैं आर्ट चैनल नहीं मिला है। आर्ट आपका चैनल नहीं मिला चिंकी को, तो आप मेरे कम्युनिटी पे LTR कर दो ना, तो वहाँ से चिंकी आपको ले लेंगी। सारा बोल रहे हैं ठीक हूँ बिंदा जी थैंक यू। प्रीति बोल रहे हैं कीप मैसेजिंग। सारा बोल रही कीप ऑन मैसेजिंग मैसेज प्लीज़। सारा बोल रही आपका काम करिए। हाँ अगर मतलब काम है विकास भाई तो करिए, LV तो मतलब चलते ही रहेगा, उससे कोई वो नहीं है मुझे। प्रीति जी वीडियो पर ही काम जारी है, आपको टाइम भी कम मिलता है ना वीडियो पे देने के लिए।
आज बोल रहे हैं 430 गेमिंग, तो साबिर आपको किया है आर्ट जी ने, उनको वापस कर दियो। चिंकी बोले आर्ट चैनल नहीं मिला है, होस्ट कम्युनिटी लेटर दो। आर्ट आपका चैनल नहीं मिल रहा है तो मेरी कम्युनिटी पे लेटर कर दो भाई, वहाँ से सब लोग आपको कर देंगे। प्रीति बोल रही है विकास प्रो और कितना टाइम लगेगा, अभी बहुत बाकी है, 74 कंट्री का बाकी है प्रीति। आर्ट बोल रहे हैं आरजी बंदा कर दिया है तो उनके कम्युनिटी पे लेटर कर दो आरजी, वो आपको एलवी के बाद करेंगे वापस। चिंकी जी बोल रहे हैं आर्ट कम्युनिटी लेटर दो कर, आर्ट कम्युनिटी लेटर दो कर दूंगी, कर दो जी। हाँ आर्ट आप मेरे कम्युनिटी पे लेटर कर दो, वहाँ सब लोग आपको वापस कर देंगे। और चिंकी विकास भी बोल रहे हैं कर रहा है, टर्की वालों को गोली से मार दें। अरे भाई क्या करोगे। राजकुमार शंभू भाई वेलकम वेलकम, घूमते फिरते आया कि दुकान में आएब, गली सोचली यही थोड़ा मिल लें छे। ओ आपकी भाषा थोड़ी अलग है ना, हमारे यहाँ छे वाली भाषा नहीं चलती ना, भोजपुरी प्योर वाली चलती है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। अच्छा घूमते फिरते आए हैं, थैंक यू आ गए। सारा बोल रहे हैं प्रीति दी क्या खबर है आपकी। आर्ट बोल रहे हैं आपके फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करता हूँ। नहीं नहीं आर्ट वीडियो पे नहीं, कम्युनिटी पे, मेरे चैनल पे जाओ, कम्युनिटी आप समझ रहे हो ना, कम्युनिटी के फर्स्ट जो भी पोस्ट है ना उस पे आप कमेंट कर दो, वहाँ से सब लोग आपको वापस कर देंगे। चिंकी जी बोल रहे हैं राजकम, राज का चैनल और है चिंकी जी, स्टडी सोच है, सच है, आप शायद कनेक्टेड होंगे उनसे। और प्रीति बोल रही है नो विकास ब्रो ऐसे मत करना। और किया आ गई, हाय किया वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, हाउ आर यू, हाय चिंकी, हाय बोल रही किया आपको। और प्रीति बोल रही है सारा डियर कुछ नहीं लेटेस्ट न्यूज। और सारा बोल रही है बांग्लादेशी जी हाय वेलकम हाउ आर यू, तो देखो सारा आपकी फ्रेंड आ गई है लग रहा है। और आर्ट बोल रहे हैं मैंने आपकी पुरानी एलवी पर कमेंट किया है दीदी, पुरानी एलवी पे कमेंट किया है तो मुझे पता चलेगा ना आर्ट, ऐसे किसी को मतलब मेरे कमेंट कोई और कैसे देखेगा, इसलिए मैं बोल रही थी भाई कि आप मुझे कम्युनिटी पे कर दो। या चिंकी जो है ना उनके वीडियो पे जाके कर दो तो उन्हें पता चल जाएगा, तो वहाँ से आपको कर देंगी। आप रो हो या सिस हो, आर्ट न्यू चैनल है क्या इसलिए शायद नहीं मिल रहा आपका। प्रीति बोल रहे हैं केया हाय वेलकम। और चिंकी जी बोल रहे हैं केया कम, चिंकी यार देखो ना इनको सर्च करो, शायद न्यू है आर्ट कंटेंट, तो उन्होंने मेरे एलवी पे किया, अभी किस एलवी पे किया आपको कैसे पता चलेगा, सब पे जाके देखना होगा, आप सर्च करो ना अच्छे से, मिल जाए तो इनको वापस कर दो। सारा बोल रहे हैं डोंट राइट कैप्स प्लीज़, यस गाइस प्लीज़ कैपिटल यूज़ मत करिए, सब स्मॉल में लिखिए। किया बोल रही सारा हाय। और प्रीति बोल रही है यस यस डोंट यूज कैप्स लेटर, थैंक यू प्रीति। कक्का वीर कैसे हो दोस्तों, वेलकम है वीर जी, कैसे हैं आप, हम सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताइए। सारा बोल रहे हैं हाय किया केमन अच्छे। अरे वाह। आर्ट बोल रहे हैं नहीं समझा कम्युनिटी, ओहो ओके रुको, आप ना चिंकी फूड गार्लिक के चैनल पे जाओ, उनका जो पहला वीडियो होगा ना उस पे आप कमेंट कर दो, ठीक है, वहाँ से आपको कर देंगी। और प्रीति बोल रहे हैं लाइक द एलवी, ललन जी बोल रहे हैं खुशी के पल कहाँ ढूंढू बेनिसा सा वक्त भी यहाँ, ओहो सही बात है, परदेश में रहने का यही एक नुकसान होता है ललन जी। चिंकी जी बोल रहे हैं क्या, प्रीति बोल रहे हैं कका हाय, चिंकी बोल रहे हैं वीर कम, वीर बोल रहे हैं न्यू एनसी नाइस न्यू कम। प्रीति बोल रहे हैं विकास प्रो डिनर हुआ, ललन जी बोल रहे हैं जी हाँ ललन जी मैं समझती हूँ यार, जब मैं मतलब बहुत मिस करती हूँ सबको। तो आर्ट बोल रहे हैं कर दिया कमेंट कम्युनिटी पर, ओके ओके समझ गए ना आप, थैंक यू। तो चिंकी आप देख लो ना आर्ट ने किया है मेरे कम्युनिटी पे कमेंट, वहाँ से आप कर दो उनको वापस। सारा बोल रहे हैं कैप्स मत लिखिए प्लीज। और प्रीति बोल रहे हैं फाइव वॉचिंग, ओके
फाइव है, आठ बोल रहे हैं ब्रो। ओके आपका न्यू है ना, इसलिए शायद आपको नहीं पता है। प्रीति बोल रहे हैं कि मैसेजिंग। ललन जी बोले सारा जी बिल्कुल सही। चिंकी बोले आर्ट चैनल नहीं मिला है। चिंकी उन्होंने ना मेरे कम्युनिटी पे किया है, एक बार चेक करो, वो न्यू है ना, थोड़ा सपोर्ट कर को, उनको नहीं आ रहा समझ में, तो सब सपोर्ट कर दो। फरीदा जी वेलकम, कैसे हो आप? हाय प्रीति बोल रहे हैं हिट द लाइक बटन, थैंक यू प्रीति। फरीदा जी बोल रहे हैं हाउ आर यू सिस, आई एम गुड फरीदा सिस, हाउ आर यू? प्रीति बोल रही है फरीदा हाय। ललन जी बोल रही कीप मैसेजिंग एवरीवन, क्या बात है ललन जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चिंकी जी बोल रही आर्ट किडी लाइव में जाकर प्लेलिस्ट के पास कम्युनिटी लेटर दिया। हाँ उन्होंने दिया है ना चिंकी, एक बार चेक करो ना आप, उन्होंने कम्युनिटी पे भी किया है, LV पे भी किया है, तो आप कम्युनिटी वाला चेक कर लो प्लीज़। फरीदा जी बोल रहे हैं न्यू कम विजिटर कम बोल रहे हैं फरीदा जी, तो टूरिज्म प्लीज़ कनेक्ट हो जाओ फरीदा से इससे। और चिंकी जी बोल रहे हैं कम। प्रीति बोल रहे हैं लल्ला जी आर यू फ्रॉम प्रीति, वो मेरे गांव से हैं बट वो कहाँ रहते हैं यार मैं भूल गई। ललन जी आप कहाँ रहते हैं? मैं भूल गई, कतर, कतर में रहते हैं वो। आर्ट बोल रहे हैं चिंकी के वीडियो देखकर मुंह में पानी आ गया, आ जाएंगे ना। हाँ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आ जाओ बोल रहे चिंकी। तो देखो चिंकी शायद उन्होंने आपका चैनल भी विजिट किया है, एक बार वापस करो उनको। ललन जी बोल रही प्रीति जी मैं बिहार से हूँ। प्रीति बोल रही होस्ट आपका सिबलिंग्स कितने हैं? मेरे 3 सिबलिंग्स हैं। आर्ट बोल रहे इंस्टा पर हो क्या दीदी? हाँ आर्ट मैं हूँ, मैं अपने चैनल नेम से हूँ, सेम DP है। और प्रीति बोल रहे हैं ओके ओके लला ब्रो। एंड वीर इज सेइंग टूरिस्ट विस्टर डन, तो प्रीति आपको कक्का वीर जी ने किया है, उन्हें वापस कर दो। एंड विस्टर सेइंग फरीदा ओल्ड हो, आपने नहीं किया तो कर दो प्लीज़। यस फरीदा सेस अगर आपने नहीं किया है टूरिज़म विस्टर को तो आप कर दो। आर्ट बोल रहे हैं कक्का वीर भैया डन, तो कक्का वीर जी आर्ट कंटेंट को वापस कर दीजिए। ललन जी बोल रहे हैं कुवैत, ओहो कुवैत कुवैत कतर उधर ही है ना एक साथ, तो मुझे ध्यान में नहीं था मैं। हाँ प्रीति ये कुवैत में रहते हैं। और चिंकी जी बोल रहे हैं आर्ट डन, और चिंकी बोल रहे हैं आर्ट थैंक यू। ललन जी बोल रहे हैं प्रीति जी आपने कल पूछा था शायद, और चिंकी जी बोल रहे हैं आर्ट डन चेक, आर्ट आपको किया है देखो चिंकी फूड गार्लिक ने। और कक्का वीर जी प्लीज़ आर्ट कंटेंट को वापस कर दीजिए। हाय नाइक जी कैसे हैं हिट, हाय टू ऑल, हाय नाइक भाई कैसे, कनेक्ट हो जाओ, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। कक्का जी डन चेक टूरिज्म, तो कक्का जी आप हैं तो प्लीज़ टूरिज्म विजिटर आप देख लीजिए। चिंकी बोल रहे हैं बी कम, ओके नाइक जी को बोल रहे हो, नाइक जी कनेक्ट हो जाइए चिंकी फूड गार्लिक से। ललन जी का मैसेज डिलीट है। ब्रिस्टर बोल रहे हैं नाइक हाय, चिंकी बोल रही है आर्ट देखो मिला है आर्ट, आप हो तो देख लो आपके नंबर बढ़ गए क्या। और कक्का वीर जी बोल रहे हैं आर्ट चैनल नहीं मिला। कक्का वीर जी आप ना मेरे कम्युनिटी का चैनल नहीं मिल रहा है, इन्होंने मेरे कम्युनिटी पे शायद LTR किया है बोल रहे हैं, तो वहाँ से देख लीजिए 268 नाइक जी। ओहो नाइक जी आपको आर्ट कंटेंट ने किया है तो प्लीज़ इनको वापस कर दीजिए, इनका अगर चैनल नहीं मिल रहा है तो मेरे कम्युनिटी से इनको ले लीजिए, वहाँ पे इन्होंने लेटर किया है। और प्रीति बोल रहे हैं कीप मैसेजिंग, थैंक यू प्रीति, लाइक द LV, थैंक यू प्रीति। एंड चिंकी जी बोल रहे हैं कोई नहीं कर रहा है, आपने किसको किया है चिंकी? थैंक यू बोल रहे हैं आर्ट। आर्ट वेलकम बोल रहे चिंकी, जिसका कम्युनिटी होगा आप कम्युनिटी पे LTR कर देना चिंकी। कक्का वीर जी के और नाइक जी हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए। सॉरी टुमारो अमेरिका इंडिपेंडेंस डे है सिस, नहीं मालूम प्रीति आप टूरिज्म से रिलेटेड सारे नॉलेज रखते हो मैं नहीं,
आठ डन बोल रहे हैं वीर जी। आठ चेक करो आपको कक्का वीर ने किया है, आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं। प्रीति बोल रही है हिट द लाइक बटन, थैंक यू प्रीति। अरे प्रीति मैं रमना की एलवी नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं है। मैंने बोला था 10 मिनट आऊँगी बट नहीं मिला मुझे टाइम, मैं खाना खाने लगी इसलिए। आप प्लीज़ बता देना मुझे टाइम, अगर मॉर्निंग में करती ना तो मैं अटेंड कर लेती, बट इवनिंग में टाइम बिल्कुल नहीं है। किया वीर बी, वीर बी थ्री लोग बुला रही हूँ। क्या वीर जी थ्री लोग बुला रही हूँ। मैंने वाईटी पर डेली आता था पर वो ऑप्शन गायब हो गया था तो मैंने वाईटी छोड़ दिया था। हाँ आर्ट पहले था ना कि यहीं से डायरेक्ट फ्रेंड बन जाते थे, तो वो अभी ख़त्म हो गया है, आपको सर्च करना होता है फिर बनाना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई नहीं हो जाता है आर्ट। ललन जी बोल रही हैं आप अमेरिका में हैं क्या प्रीति जी, टुडे आज वही वीडियो अपलोड किया है किया सिस। अच्छा अच्छा मैंने देखा नहीं प्रीति, मैं देख लूँगी। हाँ और नाइक जी बोल रहे हैं चिंकी जी डन विथ लेटर प्लीज़ रिटर्न, तो चिंकी जी आपको नाइक जी ने किया है आप उन्हें वापस कर दो। और प्रीति बोले ओके ओके डियर, चिंकी जी बोले वेट, ललन जी बोले विकास भाई गए क्या। हाँ उनको काम कर रहे ना वो प्रोजेक्ट तो चले गए होंगे। और प्रीति बोल रहे हैं ओके लाला जी मैं के हूँ, तमिलनाडु की हैं। सारा चली गई क्या आप, ललन जी बोल रहे हैं ओके प्रीति जी, प्रीति बोल रहे हैं कीप मैसेजिंग, सारा भी चली गई शायद। दीदी आपका नेम पूछना भूल गया बताओ। मेरा नेम ना है आर्ट, आपका क्या नाम है आर्ट, कहाँ से हो आप। चिंकी जी बोल रहे हैं बी डन, तो नाइक जी आपको चिंकी फूड गार्लिक ने भी कर दिया है। और टूरिज्म बोल रहे हैं विकास भाई वायरल वीडियो बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है उनका। और ललन जी बोल रहे हैं सारा भी गई, हाँ मैसेज नहीं आ रहे हैं तो लग रहा है। चिंकी बोल रहे हैं नाइक डन लेटर नहीं देना है, हाँ कोई बात नहीं, और एक वीडियो में विकास भाई का मोनो हो जाएगा, सही बात है। चिंकी जी बोल रहे हैं नाइक डन चेक बेल से किया है। ककर जी बोल रहे हैं ललन की आर डन, ललन जी आपको वीर जी ने किया है उन्हें वापस कर दीजिए। आर बोल रहे हैं मनीष, अच्छा 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 नाम है मनीष, और कहाँ से हो मनीष आप। प्रीति बोल रहे हैं कीप मैसेजिंग, विकास भाई वायरल का तो पता नहीं, आप यहीं हैं विकास भाई सिक्स वॉचिंग ओके। चिंकी जी बोल रहे हैं नाइक डन विकास भाई मैं वायरल ज़रूर हो जाऊँ, आप हो चुके हैं ऑलरेडी। एक सेकंड में आती हूँ प्लीज़ मैसेज करिएगा। नाइक लेटर नहीं देना है प्लीज़। और आर्ट बोल रहे हैं एमपी, ओ एमपी से हो ओके। और ललन जी बोले हैं कक्का वीर जी डन, डिफरेंट करने की सोचा है बस मैंने। हाँ तो उतना सोचने के लिए दिमाग चाहिए विकास भाई, हमारे पास नहीं है इतना, मतलब कि क्या करे ऐसा कुछ, बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप गए सारा भी चली गई, सारा पता नहीं कहाँ गई। विकास प्रो आपका वो वायरल होगा, उसको प्रीमायर के थ्रू लॉन्च करना अपलोड करना जी, बिल्कुल सही विकास भाई।
सारा सोची मैं गया। हाँ आप भी गए थे, वो भी चली गई थी। वीर जी बोल रहे हैं ललन के यार नहीं मिला, तो ललन जी फिर से ऑन करके कर दीजिए, शायद नेट स्लो होगा तो नहीं मिला होगा। चिंकी बोल रहे हैं बाय, गुड नाइट। बाय चिंकी जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच आप आए। और चिंकी मुझे इंस्टा पे आप अपना वीडियो का लिंक भेज देना, पता नहीं मैंने कहाँ देखा है बट आपका कोई वीडियो आया है शायद। विकास भी बोल रहे हैं क्या पता प्रीति जी, हाँ अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना। चिंकी जी बोल रहे हैं दूसरे एलवी में जाना है, बाय। हाँ हाँ चिंकी जी ठीक है, जाओ आप, बाय बाय, थैंक यू सो मच आप आए, अच्छा लगा। और सुरजी हाई वेलकम, कैसे हैं? हाई एवरीवन, घर से आ गए आप, कैसा रहा आपका ट्रिप? और प्रीति बोल रहे हैं यस प्रीमायर के थ्रू अपलोड करो ब्रो, हम आएंगे आपके वीडियो देखने। और संडे को करना। चिंकी जी बोल रहे हैं ओके, हाँ चिंकी जी आप वहाँ पे भेज दिया करना मुझे। और प्रीति बोल रहे हैं भारत हाय वेलकम। चिंकी जी बोल रहे हैं आज वीडियो डाली हूँ, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे नोटिस मिला है बट आपने मैंने इंस्टा पे देखा या ऐसे नोटिस देखा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, चलो आप उस पर डाल देना मैं देख लूँगी। और पावनी से साए हैं, हाय पावनी कैसे हो आप, हाय फ्रेंड्स बोल रहे हैं पावनी जी। और विकास भी बोल रहे प्रीति जी प्रीमायर के लिए बनाया है मैंने, हाँ हाँ अच्छा है, कम से कम हाँ आधे एक घंटे चलेगा आराम से। और नाइक जी बोल रहे हैं न्यू कम, तो नाइक जी पावनी किचन आई हैं, उनसे कनेक्ट हो जाइए न्यू है तो। प्रीति बोल रहे होस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है प्रीति, बस ऐसे ही है। और भारत भाई बोल रहे हैं हाय टूरिज्म, तो टूरिज्म आप कनेक्ट नहीं हो तो भारत जी से कनेक्ट हो जाओ, बहुत अच्छे हैं। भारत भाई घर से आ गए क्या आप? पावनी बोल रहे हैं विजिटर कम। विकास भी बोल रहे हैं 2 घंटे चलेगा, अच्छा अच्छा है फिर तो, सबको नॉलेज हो जाएगा और आपकी एलवी भी हो जाएगी आराम से। ओके ओके गुरुजी, हाँ वैसे भी वो हफ्ते में एक दिन करते हैं ना संडे को 2 घंटे की एलवी। पावनी बोल रहे हैं स्टेटस कम, तो नाइक भाई आप कनेक्ट हो जाओ पावनी जी से। चिंकी बोल रहे हैं किडी सर्च करके आ जाओ मेरे वीडियो में, सर्च करके, अच्छा अच्छा चिंग, हाँ वो भी सही है, ठीक है आ जाऊंगी चिंकी सिस। और विकास भी बोल रहे हैं टूरिज्म जी मैं 5वीं पास हूँ हाँ बट कोई की नहीं करेगा समझे आप। होस्ट आपकी लव मैरिज है क्या? ये प्रीत को क्या हो गया है हाँ लव मैरिज है, प्रीति को क्या हो गया है आज अचानक से इतने सारे क्वेश्चन पूछने लगी? विकास जी लाई, अरे नहीं सच में 5वीं का तो नहीं लग रहा है मुझे भी, कम से कम 10th होंगे। ओ सुपर, अरे नहीं यार मेरी पड़ोस मेरे मतलब नेबर के साथ ही मेरी शादी हुई है बट ये लोग वहाँ रहते नहीं थे। विकास भी बोल रही हैं पृथ्वी जी सही में, प्रीति जी सही में। और नाइक जी बोल रहे हैं पावनी जी रन प्लीज़ रिटर्न, तो पावनी से प्लीज़ आप नाइक जी को वापस कर दो। भारत बोल रहे हैं हाँ हाँ घर से वापस स्टडी को आया था। ओके ओके, तो आपका ऑफिस चालू है आज तो होगा आपका ऑफिस। विकास भी बोल रहे हैं 10 होता तो और कुछ मुकाम पर होता, अच्छा मुझे मतलब इतना लगता है कि 10th तक तो होंगे ही। अब से बात करके ना मतलब कोई नहीं कहेगा कि 5th तक पढ़े हो आप, आजकल नॉर्मल सब लोग ग्रेजुएट तो होते ही हैं। कोई नहीं है तो आपसे की बातें कर रही हूँ, अच्छा अच्छा मैं सोचूं अचानक से क्या हो गया प्रीति को ये हाँ हाँ 5th 5वीं है ना बताया आपने, जी हाँ ऑफिस कंटिन्यू है। ओहो चलो अच्छा है, कैसे रहा घर पे सब, कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं सुचित जी? पावनी डन विथ लेटर चेक एंड रिटर्न, पावनी शायद चली गई है नाइक जी, मुझे 2 की वॉचिंग दिख रहा अभी तो पता नहीं क्यों। नाइक जी आपने LTR किया है ना तो वो वापस कर देंगे, टेंशन मत लो, LTR नहीं करने पे दिक्कत रहता है कि पता नहीं चलता है उनको, कर देंगी वो आपको वापस।
और प्रीति कुछ नहीं विकास ब्रो, एजुकेशन एंड नॉलेज इज़ डिफरेंट। हाँ कभी कभी एजुकेशन वाले लोग भी ना ऐसे गधे होते हैं, कुछ नहीं आता है, नॉलेज मैटर करता है। या प्रीति जी बोल रहे हैं विकास भाई, इनकी में जितने सारे मोस्टली बाहर के आते हैं और उनको इतने हैंडल करते हैं ना, पूछो मत। आप नहीं आए हो ना प्रीति इनके एलवी में, संडे को आना, बहुत अच्छी होती है, सारे बाहर से आते हैं ज़्यादा। जी सब फाइन है घर पर, बोल रहे हैं सुरजीत जी। ओके बच्चे कैसे हैं? बच्चों के तो स्कूल बंद होंगे ना वहाँ पे भी। और प्रीति बोल रही है यू हैव नॉलेज विकास प्रो, यू विकिपीडिया। हाँ विकास जी बोल रहे हैं मैं अब भी 10वीं वालों को हरा देता हूँ। सही बात है, 10वीं वाले नहीं उससे बड़े वालों को भी हरा दोगे आप। दिमाग चलते रहता है ना ज़्यादा, अगर पढ़ते तो बहुत अच्छा करते। बट ये भी है कुछ लोगों का ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बाकी सारी चीज़ों में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वन टाइम अटेंडिंग विकास प्रो एलवी, अच्छा, हम तो हमेशा जाते हैं। मिनी विकिपीडिया हूँ विकास भाई बोल रहे हैं। वो तो है, और विकिपीडिया होने के साथ साथ नेचर भी बहुत अच्छा है ना, हेल्पिंग जो नेचर है ना आपका वो बहुत अच्छा लगता है। न्यू हो, पुराने हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, सबकी हेल्प करते हो। और सुरजीत भाई खाना आपने बना लिया या बाहर से मंगाओगे? घर से आने के बाद तो आपका भी मन नहीं लग रहा होगा रूम पे अकेले, फिर तभी तो वो गुरुजी। हाँ आज प्रीति मौंडी जी का बर्थडे था, अभी वो पार्टी करेंगे, बुर्ज खलीफा गए हैं आज, वो आफ्टरनून में आए थे। कीप मैसेजिंग बोल रहे प्रीति, आपके एलवी में नहीं मौंडी जी, मैं में था जब 90 या 88 भी थे मार्क्स, फिर क्यों छोड़ दिया यार आपने स्कूलिंग, क्यों छोड़ मतलब छोड़ दिया? मुझे मन नहीं लगता था इसलिए, लेकिन मन नहीं लगता तो फिर इतने अच्छे नंबर नहीं आते। ओ मौंजी ब्रो आए थे बट बर्थडे के बारे में तो कुछ नहीं बोला उनको। आपके एलवी में प्रीति कल बताया था ना आपने, आफ्टरनून में कल मेरा बर्थडे है करके, तो सबने कल एडवांस में विशेज दिए, फिर आज आए थे तो मैंने विश किया था, वो केक मुझे दिए ना तो मुझे याद आया। फिर पीहू के एलवी में गए थे, वहाँ पे भी सबने विश किया था उनको, फैमिली प्रॉब्लम थी। अच्छा, हो जाता है यार कभी कभी, सबकी कंडीशन मतलब एक जैसी नहीं होती है ना। चलो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी आप इस मुकाम पे हो ना बहुत बड़ी बात है विकास भाई, और जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है बहुत कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा गुस्सा को मतलब डाउन करके रखो, ऐसे कुछ होता है तो उसको अवॉइड करो। भारत भाई बोले जी है खाने खाना के लिए कुक रखा है। अच्छा डिग्री और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। हाँ सुरजीत भाई सही बोल रहे हैं, कभी कभी ना बड़े बड़े जो डिग्री वाले हैं आजकल मतलब सब तो ग्रेजुएट होते हैं बट नॉलेज जीरो होता है, इवन वो सही से रीड भी नहीं कर पाते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, राजस्थानी बंडा के जो हेल्पी होती है ना, सारे बाहर से लोग आते हैं, फिलीपींस से और बाहर के, इंडियन में तो लग रहा है 3-4 लोग होते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने इतने अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, उनको समझ में आता है और वो खुश रहते हैं। हमारे में आते तो हेडेक हो जाता है, अब इनसे क्या बात करें। नायक जी बोल रहे हैं टूरिज्म भाई डन प्लीज़ रिटर्न, नायक जी वो सीस हैं, टूरिज्म प्लीज़ रिटर्न कर दो नायक जी को, बहुत अच्छे हैं, उनके गाने भी अच्छे आते हैं, अपलोड करते हैं। विकास जी बोल रही प्रीति जी जब तक वीडियो नहीं बनता तब तक बिजी हूँ। हाँ मैं मुझे पता है, मैं आपको बोल भी रही थी कि आप कर लो वीडियो पे, लाइव का कुछ नहीं है विकास भाई, हम बुरा नहीं मानते, हमें पता है आप आ जाते हो खुशी होती है, नहीं आते हो तो भी खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप काम करते हो ना पूरे टाइम, तो मुझे पता है कि बिजी रहते हो। ओ ओके डियर भैया, जूलिया से बातें कर रहे थे। जूलिया से बातें कर रहे थे। प्रीति आप नाइक जी को वापस कर दो। किटी जी, जब भी भेदभाव होता है तो वो सह नहीं होता है। नहीं पता है मतलब ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है आपके में क्या बोले, कभी कभी उससे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हर जगह गुस्सा मत करो। चलो ये सब तो कौन है, अपने थोड़ी ना है, मतलब आपके लाइफ टाइम के लिए बोल रही हूँ कि कभी कभी गुस्सा को मतलब कंट्रोल करके चलिए बहुत सही होता है, नहीं तो गुस्से में ना बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो कि कभी हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। नाइक डन चेक बोल रहे हैं टूरिज्म। नाइक जी आपको किया है टूरिज्म ने, ये वाईटी पे क्या है, उतना थोड़ी ना अपने हैं, सवेलवी के बाद फिर कोई नहीं मिलता है ज़्यादा, अभी तो अच्छी सबसे बातचीत हो जाती है, एक फैमिली सा रिश्ता हो गया है, बट एलवी ख़त्म होने के बाद तो फिर उतना नहीं हो पाएगा बात ना। ओके ओके विकास ब्रो, वो तो मेरे साथ भी है, बट राजस्थानी जी डन विथ लेटर चेक प्लीज रिटर्न। नायक जी वो कर देंगे, आपने लेटर कर दिया ना, वो वापस कर देंगे भाई। विकास भाई नायक जी को कर दीजिए, उन्होंने किया है, इनका मैसेज हाइड में गया। कीप मैसेजिंग बोल रहे हैं प्रीति, लाइक दैल भी बोल रहे हैं प्रीति, आज कोई बस 2 की वॉचिंग है यार, बट 3 के मैसेज आ रहे हैं। अभी अकेले हो तो ठीक है, फैमिली के साथ रहो ना तो गुस्सा को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो फिर ज़िंदगी भर के लिए नुकसान होता है। ऐसे को होता है सिस कभी कभी। हाँ बताएं, मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, जैसे आज आपके एलवी में हो रहा था ना कि वो मतलब चाइना से थे तो उनको बायकॉट करने लगे, तो वो देखो गुस्सा सबको है, बट ऐसा नहीं है कि अभी कोई आया और उसको सब पीछे पड़ के उसको भगाने लगो या कुछ भी, वो एक राइट वे नहीं है आप किसी को मतलब इस तरीके से कहने का, और ना ही राइट प्लेस था। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है ना कहने का करने का, जो लोग दिखा रहे थे वो खुद ही चाइनीज सामान यूज़ करते होंगे या सब कुछ, बिना उसके तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी किसी और के एलवी में तमाशा कर रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे मैसेजिंग। तो मेरे कहने का मतलब वही था ना कि मतलब सही जगह पे सही चीज़ जाहिर करो अच्छा होता है और सही तरीके से। यस डियर टुडे, इसलिए मैंने एलवी 1 आवर में बंद करी थी। अरे तो वो तो चले गए थे ना, वो जो जिम्पिंग क्या था ना, वो तो मैं थी तभी चले गए थे, वो इस तरीके से बोला ना उन्होंने, फिर वो चला गया बेचारा। आप खुद सोचो ना, हम जाते हैं फिलीपींस वालों में या किसी के में तो वो हमारे पीछे ऐसे पड़े तो कैसा लगेगा ना, ये तो यार कंट्री लेवल पे है ना, वो पार्लर बंदा थोड़ी ना तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है। और ये सब कुछ डिस्कस करने का ये प्लेस नहीं है, जब सुन एक वर्ड की वजह से एलवी पूरा आईटी रिमूव कर देता है तो फिर क्या फ़ायदा ये सब डिस्कस करने से। चाकू खंजर निकाल रहे थे, माइंड अपसेट हो गया था, सेस प्रॉब्लम वाईटी में आए तो डब्ल्यूटी में आए तो कोई बात नहीं, फिर मैंने भी इसी वजह से थोड़ा सा उस टाइम सपोर्ट किया था आपको, फिर मैटर ख़त्म हो गया था और वो जिम्पिंग चले गए थे। मराठी जी तो थे, ललन जी बोल रहे हैं जी, अच्छा कॉल आ गया होगा ललन जी आपकी वाईफाई का। अगर ऐसा होता है ना तो आप तुरंत टाइम आउट दे दो।
5 मिनट बाद वो खुद ही चले जाएंगे। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, इंडिया चाइना की थोड़ी सी बातें हो रही थी। स्टडी मेरी LB अच्छी नहीं चली, आपको बताया? हाँ, मैं तो थी ना कल, इसी वजह से ज़्यादा देर थी आपके पास। आज मेरे ना दीदी का एनिवर्सरी है, तो उस टाइम मेरे फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं बात बात करने लगी तो लेट हो गया था। तो आज मैं थोड़ा कम ही टाइम रुकी थी इसी वजह से। और उसके बाद मुझे पूजा जी का और नेहा जी का, दो लोगों का, शिवा बेबी है ना, इन सबका अटेंड करना था। तो फिर कम से कम 20 मिनट तो रुकती हूँ मैं, उन लोगों को टाइम देना था, फिर खाना भी बनाना। मेरे पास टाइम जैसा होता है वैसे ही देती हूँ जी। थोड़ी देर पहले ही आया था। अच्छा, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। टुडे के LV में क्राउड था बट माइंड अपसेट। हो जाता है प्रीति, कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं। कुछ हमें भी बताइए, हम भी आपके अपने हैं, कोई बेगाने नहीं। नहीं बता देते लल्लन जी, बट ज़्यादा डीपली जाएंगे ना तो मेरे LV को प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं जा रही हूँ मैं वही इसलिए आपको हिंट दे रही हूँ ना, इंडिया चाइना की वो वार के बारे में हो रहा था, इनके LV में कोई आया था तो यहाँ के लोगों ने उनको थोड़ा वो बायकॉट करने लगे थे। अभी आप समझ गए होंगे। 1 आवर में 75 आ गए थे यार। हाँ तो अच्छा था, आज बहुत अच्छा आ रहे थे सब यार। और रमना हाय, कम से सॉरी से मैं आ नहीं पाई, आई डिडंट अटेंड योर LV बिकॉज दैट टाइम आई वॉज हैविंग माई डिनर, सो सॉरी। हाय किटी सेस, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रीति रमना आज दिन में आई थी और अभी भी आए, मैं टाइम नहीं दे पाती इनको। हाय रमना, वेलकम। आप बता दो ना प्रीति, मैं टाइम देती हूँ बट इनका ऐसा टाइम है ना कि मैं नहीं दे पाऊँगी उस टाइम। हाय प्रीति सिस बोल रही रमना, ललन जी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं जी। हाँ ललन जी, कुछ है ना, ये जैसे बीमारी चल रहा है इन सब के बारे में बात करो ना तो ये LV बंद कर देते हैं YT, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस नहीं करना होता है। मैंने मजाक किया था जी। हाँ मैं समझ रही हूँ, बट इतना हमने बात किया अभी ना, इसलिए मैंने आपको ऐसे हिंट में बता दिया, पूरा डिटेल नहीं बता सकती। हाय शिव, वेलकम। कैसे हो डन लाइक, कैसे हो, हाउ वॉज योर लाइफ टुडे? एंड सॉरी आई वॉज देयर बट आई डिंट डू मैसेज बिकॉज आई वॉज बिजी। और प्रीति बोल रहे हैं लल्ला ब्रो, हंस रहे हैं। आज मैंने केक बनाया प्रीति, सेव के LV में ऑन करी थी, उस टाइम खाना भी बना रही थी और कृष्णा को केक बहुत पसंद है तो मैंने केक भी बनाया। हाय हाय ऑल बोल रहे हैं शिवा, योर प्रीति सी झेयर शिवा। प्रीति आपको बहुत मिस करता है शिवा, जब आता है तो मुझे मेरी प्रीति से चाहिए। शिवू हाय वेलकम। और ललन जी बोली प्रीति जी टेंशन ना लीजिए। नहीं ललन जी, उस टाइम ना इनके LV में बिल्कुल अजीब सा हो गया था, फिर थोड़ी देर में शांत हुए सब। एंड शिव बोल रहे हैं हाय सेस, प्रीति बोल रहे हैं रमना किडू से सेंट अटेंड योर LV बिकॉज दैट टाइम सी टेक डिनर एंड नॉट हैड टाइम। हाँ वही तो, मैं दे देती प्रीति, आपको पता है मैं सपोर्ट करती हूँ बट टाइम की प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन ब्लॉग है ना, मैं 1 आवर वो मेरे में रुकते हैं तो उनको देना पड़ता है ना 1 आवर, और फिर भी मैं 10 मिनट पहले खाना खा रही थी उनका LV ऑन करके, और मैंने सोचा था 10 मिनट पहले मैंने कृष्णा को बोल दूँगी और रमना में चली जाऊँगी, बट गई जा नहीं पाई। बफ बोल रहे हैं सी, ओ बफ है, नहीं अभी तो ठीक लग रहा है यहाँ पे। मैं आ गया, ओके कर लो ना अगर कर रहे हो विकास भाई कुछ तो। और ललन जी बोल रहे हैं हमें भी, हम भी यही हैं। हाँ, थैंक यू ललन जी, आप तो बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। कि टू सीस केक, हाँ मैं अभी मैं बंदी रखी हूँ, पिक निकालूंगी कल, लगाऊंगी थंबनेल। शिवू हैड डिनर बोल रहे हैं प्रीति से। और ललन जी बोल रहे हैं वेलकम विकास जी, विकास जी बोल रहे हैं शुक्रिया ललन भाई। यार छोटू भी है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं यार। हाँ तो उसको स्टार्टिंग में ही खिलाया, उसके बाद हमने हस्बैंड को दिया, फिर मैंने खाया, उसके बाद घर पे मतलब जो मम्मी पापा जी हैं ना उन लोगों से भी बात किया,
9 बजे के पहले ये सब फिनिश कर लेना होता है ना, क्योंकि एलवी 10-11 बजे तक चलती है, तो फिर वो लोग सो जाते हैं, तो उसके पहले मतलब बिल्कुल टाइम नहीं होता यार। धन्यवाद विकास भाई, बोल रहे हैं लल्लन जी। और वो दिन में करती ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो रही है यही। एक बार मेरा वीडियो सभी देशों में शो हो जाए, हो जाएगा ये वाला वीडियो जो है ना विकास भाई, ये तो आपके मतलब लाइफ टाइम चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी कंटिन्यू व्यूज़ आ रहा है, बाद में बंद हो गया, इसके व्यूज़ हमेशा बढ़ेंगे। ओके डियर, बोल रहे हैं प्रीति। आप समझ सकते हो। बिल्कुल भाग भाग के करना पड़ता है सारा काम। रमना नहीं करती मॉर्निंग लाइफ। मैंने पूछा था उनको तो वो बोले कि नहीं करती, अगर करते ना तो मैं मॉर्निंग में आराम से टाइम देती। अभी मैं 2 अकाउंट करने वाली हूँ, तो फिर 2 से 2 जगह पे ऑन रहूँगी तो सही रहेगा। एक से ना बहुत मुश्किल हो जा रहा, फ़ोन भी तो चार्ज करना होता है, अपनी एलवी करके फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है। बस ब्रो एडवांस कॉन्ग्रेट्स ब्रो। और ललित बोल रहे हैं सर्दी हो गई है क्या? अरे नहीं, इधर ठंडी बहुत है, बोलती हूँ ना मैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मेरा सपना यही है, विकास भाई बोल रहे हैं। हाँ अच्छा है आपका सपना, बस आप इस वीडियो के बाद अपना जो एलवी है उसको रेगुलर रखिए, फिर जल्दी से अपना डब्ल्यूटी पूरा करो विकास भाई। प्रीति बोले यस यस। और विकास भाई बोले क्यों प्रीति जी? ओके किटी जी मैं चलूँ। हाँ हाँ प्रीति, ओके ओके, थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच, आप आए अच्छा लगा। मैं हाफ एन आवर और चेक करती हूँ, और 10:30 पे हो सकता है सारा आए। गोइंग टू स्लीप। हाँ प्रीति आप सो जाओ, आपके अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप सो जाओ, कोई बात नहीं है, जितना रेस्ट करो अच्छा रहता है। प्रीति जी नमस्ते, ललन जी बोल रहे हैं बाय टू ऑल फ्रेंड्स, गुड नाइट डियर बोल रहे हैं प्रीति, गुड नाइट आपको भी प्रीति, थैंक यू सो मच, आए अच्छा लगा। स्वीट ड्रीम्स बोल रहे ललन जी, लल्लू ब्रो बाय। ललन जी आप भी खाना खा लेना टाइम से, वेज बिरयानी गरम गरम खाओ अच्छा लगता है। कुवैत कैसा है ललन जी? घूमने वाला प्लेस है मतलब ब्यूटीफुल है, या नॉर्मल जैसे अपने शहर होते हैं वैसे? लल्लू क्यूटी जी कल मैं गुस्सा हो गया था, किससे? मुझसे? मेरे से क्यों गुस्सा हुए? हाँ लालू लल्लू, मैंने भी एक दिन बोला था जी जरूर। हाँ भाई खाना भी खाते रहना, सपोर्ट अपनी जगह है, अपना सब टाइम काम अपनी जगह है। गुड नाइट प्रीति जी। विकास भाई क्या हुआ, क्यों गुस्सा थे? यहाँ घूमने वाला कुछ नहीं है जी। अच्छा मतलब नॉर्मल जैसे शहर होता है ना वैसे है, जैसे दुबई है ना, वो बहुत खूबसूरत है, घूमने के लिए है, काम भी मतलब कर सकते हैं, मन नहीं लगता होगा ना ललन जी? वहाँ के लोग अलग भाषा बोलते होंगे, हिंदी तो कोई नहीं बोलता होगा, बड़ा अजीब लगता होगा, खान पान सब कुछ अलग होगा ललन जी वहाँ का। और कुवैत का एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। अच्छा, पिक्चर में देखा क्या? वो एक पिक्चर था ना एयरलिफ्ट, उसमें उसी में मैंने देखा था यार, थोड़ा बहुत नॉर्मल है। हाँ, वहाँ सबसे ज़्यादा यही तेल होता है ना, इसके वजह से वो रिच है ना थोड़ा। विकास भी बोले आपसे नहीं,
फिर यहाँ अरेबिक है। हाँ तो आपको समझ में आती है क्या ललन जी? उधर की जो लेडीज लोग होती हैं बहुत सुंदर होती है ना ललन जी, फुल बुरका पहन के रहते हैं क्या? विकास आप यहाँ आए हैं क्या? विकास भी दुबई में रहे हैं? तो दुबई तो मैंने मतलब टीवी में ही देखा है, बहुत सुंदर है यार। बट कुवैत का मैं एक पिक्चर में देखी हूँ एयरलिफ्ट में, बाकी कुछ नहीं। नहीं जी पूरी तरह। हाँ दुबई में भी ऐसे ही है, लेकिन जो बाहर के लोग रहते हैं ना वो तो मतलब जैसे हम लोग पहनते हैं वैसे भी पहन लेते हैं, बट उधर बहुत ज़्यादा मतलब फुल बुरका है, अपने इंडिया में कम है। ललन भाई मैं जानकारी रखता हूँ। हाँ आप उधर गए हैं ना दुबई में, इसलिए आपको उधर पता होगा उधर का थोड़ा बहुत। बट ललन जी बहुत सुंदर होती है ना, कभी तो देखा होगा। मतलब ऐसे सुनते हैं कि उधर की सब लेडीज लोग बहुत सुंदर होती हैं। दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट की लिस्ट में आता है? अच्छा मुझे भी नहीं पता है विकास भाई, तो ये तो जाते होंगे तो एयरपोर्ट पे ही जाते होंगे। अपने यहाँ के लेडीज लोग बहुत सुंदर हैं। हाँ ऐसे दिखाता है ना, मतलब जो उधर मुस्लिम कंट्री के लोग होते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो। अपने यहाँ के तो अच्छी होती हैं। इधर साउथ छोड़ दो, अब बाकी उधर जो पंजाब के हैं, दिल्ली यूपी बिहार, इधर सब सुंदर है। सिर्फ मेकअप पर टिके हुए हैं यहाँ के? अच्छा हाँ सही बोल रहे हो। इस बार साउथ अफ्रीका जाने का प्लान है घूमने के लिए विकास भाई? हम तो कहीं नहीं घूमे हैं अभी, बाहर इंडिया में ही पूरा नहीं घूमे हैं। घूमने के लिए जाना है विकास भाई, अपना भारत महान। हाँ अपनी भारत की मतलब लेडीज़ लोग बहुत टैलेंटेड भी होती हैं और खूबसूरत भी होती हैं। बस इधर उड़ीसा महाराष्ट्र और उधर साउथ का बस छोड़ दो आप, बाकी जितने भी स्टेट हैं उधर सब बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन विकास भाई कोई ख़ास नहीं है यहाँ का एयरपोर्ट, ऐसे ही डाल दिया होगा ललन भाई। आप जाओ दिल्ली का एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है, बॉम्बे का एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है, अपना पटना वाला तो कुछ खास नहीं है, जगह का ठीक ठाक है। और अहमदाबाद का जाओ मतलब शानदार है, मैं जहाँ गई हूँ ना लखनऊ का भी मुझे ठीक नहीं लगा था, पुणे का भी उतना अच्छा नहीं लगा था, बट अहमदाबाद का बहुत अच्छा है। साउथ की भी सुंदर होती हैं, हाँ उनकी ना अलग ब्यूटी होती है विकास में, बट सभी नहीं होते हैं, उनकी अलग होती है। ये सांवली लड़कियाँ होती हैं, बहुत चेहरे पे पानी होता है, खूबसूरत लगती हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मस्कट में भी बन रहा है? मस्कट कहाँ है ललन भाई, सॉरी विकास भाई, मस्कट ललन भाई मस्कट में भी बन रहा है क्या एयरपोर्ट? जी विकास भाई क्या बन रहा है ललन जी उधर ही है क्या आपके साइड? सुना सा तो लग रहा है मस्कट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देखा है मैंने, हाँ दिल्ली वाला ना बहुत अच्छा है, दिल्ली वाला भी देखा है। तो इंदिरा गांधी कहाँ है एयरपोर्ट? वहीं का तो है ना, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, बॉम्बे बहुत अच्छा है, वहाँ तो खैर अलग है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए। मैं देखा हूँ हाँ आप भी गए हो ना, इंटरनेशनल तो ज़्यादा दिल्ली और बॉम्बे में ही है ना, इसलिए हमारे पटना का कुछ खास नहीं है, स्टेशन जैसा है बिल्कुल। यहाँ पुणे का भी उतना अच्छा नहीं है।
कितना घंटा लगता है ललन जी? मतलब पहले तो पटना से दिल्ली या बॉम्बे जाते होंगे, उसके बाद वहाँ से बॉम्बे से कितना समय लग जाए, कितने घंटे आपको? मुझे तो 2 घंटे में ऐसा लगता है ना, कब उतरूँ कब उतरूँ, सांसें वो हो जाती हैं मैं तकलीफ़। मुंबई से अच्छा दिल्ली वाला है जी। हाँ दिल्ली का भी सुना है मैंने, बहुत सुंदर है। बट मुंबई का जो इंटरनेशनल है ना, वो बहुत सुंदर है। नेशनल वाला तो ठीक ठाक है, मतलब वहीं से ही फ्लाइट थी मेरी, दिल्ली वाले से ना विकास भाई, अहमदाबाद से भी है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ललन जी कितने घंटे लगते हैं आपको कुवैत जाने में, दिल्ली या बॉम्बे से जब जाते हैं तो? कुवैत टू दिल्ली 4 घंटे लगता है। अच्छा बस 4 घंटे? अच्छा है, दिल्ली से शायद 7.5 घंटे कुवैत का, नहीं 4 घंटे। बाप रे, पता है आपको 2 घंटे में हालत ख़राब हो जाता है, 4 घंटे में तो बहुत दिक्कत हो जाता होगा, अजीब सा लगता है मुझे तो ऊपर। नहीं विकास भाई 4 घंटे तब ठीक है ललन जी, बट फिर उस पटना जाने के लिए 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लगता है। विकास भाई आपको कितने लगे थे, आप गए थे दुबई तो? कठिन है। मैंने फ्लाइट में कोई प्यार करता है आके, एक बार तो जेंस था वो भी आया, बहुत प्यार से सब कुछ बताया उसने जी। किटी जी 3.5 घंटे, अरे वाह, मैं सोचती थी बहुत टाइम लगता होगा, तो ठीक है। तो अपने इंडिया में क्यों इतना टाइम है यार, दो 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 घंटे करके 4 घंटे हमें लग जाते हैं ऐसे, मतलब इंटरमीडिएट वाला फ्लाइट था तो इधर से बिहार जाने में, मतलब 3 घंटे 1.5 घंटे डिले, या तो दिल्ली जाओ या लखनऊ जाओ। नीवी हाय वेलकम, हाउ आर यू? दिस बफ ज़्यादा है, ओके बफ ज़्यादा है। नीवी सिस हाय वेलकम, कैसे हो? विकास भी बोल रहे हैं मैंने हंगामा किया था, क्यों क्या हुआ था विकास भाई? फ्लाइट में? विकास भाई कूल क्यों खाना नहीं दिया था क्या आपको? अरे मैं एक बार नाइट में सफ़र की हूँ, पूरा उन्होंने लाइट वाइट ऑफ कर दिया था, शायद 12 बजे की फ़्लाइट थी और 4 बजे हम लोग इधर आने वाले थे पुणे, पूरी लाइट वाइट ऑफ कर दिया था उन लोगों ने। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, नेवी सेज हैड योर डिनर? दूरी के हिसाब से टाइम लगता है ना किडी जी? अरे तो ललन जी तो कुवैत तो ज़्यादा दूर है ना, आपने इंडिया में बताओ तो, इंडिया तो नज़दीक ही है ना एक दूसरे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना तो। ललन भाई फिर मुझे 2 घंटे अगर अलग रूम में ले गए क्यों? अच्छा विकास भाई, नेवी सीस आपका डिनर हो गया? फिर क्या बोला आपको, बंद करके रखा होगा, शांत रहो थोड़ा, गुस्सा ठंडा हो जाए फिर आना। फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया अच्छा तो वहां कौन सा जेल में डालेंगे
बहुत अंग्रेजी छाटते हैं वहाँ पे। क्या बात है विकास भाई, ललन भाई आप मत करना। हाँ बोल रहे विकास भाई। मुझे लगता था बहुत टाइम लगता होगा, पता है 6-7 घंटे, जैसे अपने यहाँ ट्रेन से जाते हैं इतने दूर दूर, वैसे लगता होगा। तो कम टाइम लग रहा है, अच्छा है। तो फिर बट इंटरनेशनल फ्लाइट अलग होती है ना, उसमें जो सीट होते हैं शायद वो उसको स्लीपर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है ना विकास भाई। ललन जी आप लोगों की फ़्लाइट की सीट वैसी होती है जैसे मतलब ट्रेन में वो रहता सीटिंग वाला जिसपे हम सो भी सकते हैं। गुस्सा ज़्यादा, वही तो मैं कह रही हूँ, सब जगह गुस्सा मत दिखाया करो। डालते तो भी इंडिया वापस भेजते। हाँ, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ जी। बस देखते रहते हैं ललन जी। हाँ आप वहाँ पे कैसे गए ललन जी, कोई था या मतलब कैसे गए वहाँ पे? कुवैत, अरब बोलते हैं अपने यहाँ, अरब जाते हैं कमाने जी। बिल्कुल भाई बोल रहे हैं ललन जी। आप कैसे पहुँचे ललन जी, कैसे पता चला उधर के काम के लिए? नहीं वैसा नहीं होता है किड्डी जी, तो जैसे डोमेस्टिक होता है वैसा होता है। डोमेस्टिक में तो मेरे पैर दुख जाते हैं यार, और मेरे हस्बैंड को तो पैर ही नहीं आते, वो बहुत लंबे हैं। इन्हीं छोटी छोटी सी सीट रहती है, कृष्णा के लिए भी हमें सीट लेना पड़ता है, बैठ ही नहीं पाते हैं। हाँ थोड़ी कंफर्टेबल कर सकते हैं, वो तो डोमेस्टिक में भी रहता है विकास भाई थोड़ा सा, बट पता नहीं क्यों यार बड़ा अजीब सा लगता है छोटा छोटा सा मुझे। सुने इंटरनेशनल फ्लाइट थोड़ी सी ना ऊंची होती है थोड़ी, इसके कंपैरिजन इंटरव्यू जा रही जा रही है। आ इंटरव्यू जा रही है, नहीं यार अच्छा लगता है ना जानने में। डबल फ्लोर वाली हो भी फ्लाइट होती है, हाँ तो मैंने वही देखी है लग रहा है। बॉम्बे में थी ना तो मतलब हम लोगों का जिधर था बगल इंटरनेशनल वाला दिख रहा था, तो उसकी जो फ्लाइट थी ना बहुत ऊंची ऊंची सी दिख रही थी। ऊंची तो ये भी होती है पास से जाओ तो, बट वो वाली और ऊंची दिख रही थी। ललन भाई क्या करते हो वहाँ? वहाँ काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई भी चाहिए ललन जी, कितना मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए? सेम टू सेम ऑल होता है किडी जी। अच्छा, 4 घंटे में तो बड़ा बॉडी में पेन हो जाता होगा बैठे बैठे। वैसे साइट वीआईपी टिकट में होता है, वैसे सीट वीआईपी टिकट में होता है। हाँ, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक भी होता है, बिजनेस क्लास टिकट में होता है। हाँ उसके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, कोई नहीं। ललन जी आप कैसे गए बताओ ना, उधर तो जाने से भी डर लगता है यार। विकास भाई मैं एसी का काम करता हूँ। हाँ अच्छा है, उधर गर्मी है ना, एसी का काम हमेशा रहता होगा। वहाँ 12 मास गर्मी रहती है ना ललन जी, बरसात ठंडी ये सब कुछ नहीं होता शायद। बिजनेस क्लास वाले में हम सीट में पूरा सो सकते हैं, अच्छा तभी तो महंगा होता है ना। हाय कृष्णा भाई, लाइक थैंक यू आप आए, बहुत लेट आए। विकास जी नमस्ते, कृष्णा भाई भी दुबई में रहे हैं विकास भाई, ये भी कुछ टाइम रहे हैं दुबई में। इंटरव्यू करके आए? आया जी। कहाँ पे इंटरव्यू? अपने अब पटना वगैरह में होता है क्या? और विकास भी बोल रहे हैं उसमें वीआईपी सर्विस मिलती है, हाँ खाना वाना सब मिलता होगा ना,
कृष्ण जी राम राम जी। नहीं जी ठंड भी होती है। अच्छा, होती है। ओके, तो आप कोई कंपनी की तरफ से आए हैं क्या ललन जी? मतलब कंपनी में आप इधर इंडिया में काम करते होंगे, वहाँ से आपको भेजा गया है वहाँ पे बाहर की? हाँ कृष्णा भाई, आज आपके एलवी के टाइम मैंने कृष्णा को खिलाया, फिर हस्बैंड भी खा लिए, तो फिर मैं ही बची थी तो मैंने भी खा लिया फटाफट से। दिल्ली हुआ था। अच्छा, वो तो वैसे भी बाहर जाते हैं तो वीजा वाले के लिए थोड़ा सा कुछ पूछताछ करते हैं ना, कि क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, कितने साल का है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है ना। कृष्णा जी राम राम बोल रहे हैं ललन जी। और टाइमिंग कैसा है ललन जी? मतलब काम के लिए कैसा है, प्रेशर रहता है या नॉर्मल है? यहाँ के ही ज़्यादा वर्कर होंगे ना इंडिया के? नहीं ऐसा नहीं, वांट आता है ना उसी में, वांट आता है ना उसी में। वांट क्या है? मतलब उस कंट्री से आता है कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। ललन के आर जी नमस्ते बोल रहे कृष्णा जी। नॉर्मली होता है। अच्छा, हाँ जैसे यहाँ रहता है, कहीं कहीं पे बहुत प्रेशर रहता है, कहीं कहीं नॉर्मल रहता है। वहाँ की करेंसी क्या है ललन जी? रुपीस तो, रुपया तो नहीं चलता होगा, कुछ होगा वहाँ का जी? बड़ा अच्छा लगता है ना किसी और देश के बारे में सब कुछ जानने का। वहाँ पे क्या चलता है ललन जी पैसे में? विकास भाई कहाँ गए? विकास भाई चले गए शायद, या फोन आ गया उनका। यहाँ जी करेंसी केडी है। अच्छा, केडी। फिर इंडिया आके चेंज करते होंगे आप लोग। कृष्णा भाई बोल रहे हैं कि मैसेजिंग 10 बजे किसी और के एलवी में जाते हैं क्या कृष्णा? क्वे डिनार। अच्छा, और डिनार उसका भी है दुबई का। चलो अच्छा है, बहुत सब कुछ जान लिया आप तो। और मार्केट कैसा है ललन जी? कपड़े वपड़े अच्छे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं क्या, या महंगा महंगा है हर कुछ? नहीं आज लेट हो गया, बाहर गया, बारिश आ गया फिर से। अच्छा आज बारिश हो रही है उधर? ओके, कोई बात नहीं। दुबई का दीरम है। अच्छा, हाँ मुझे लग रहा था वैसा ही कुछ दीरहम है। ललन जी वहाँ का मार्केट कैसा है? कपड़े अच्छे मिलते हैं, सस्ते या महंगे हैं सब कुछ? सब अच्छे मिलते हैं, पर रेट ज़्यादा रहता है। हाँ इससे अच्छा तो अपने ही यहाँ है, मंगल बाजार सोम बाजार लगता है, एक नंबर कपड़े मिलते हैं,
मार्केट टॉप है, कृष्णा बोल रहे हैं। दुबई का बोल रहे हैं ना आप, वो कुवैत में रहते हैं, मैं वहाँ का पूछ रही हूँ सब कुछ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दुबई का, तो बहुत मतलब लोग ऐसे हैं ना, या न्यूज़ वगैरह में आते रहता है ज़्यादातर, बट कुवैत का ज़्यादा कुछ नहीं पता है मुझे। मूवीज़ वगैरह में भी दुबई का बहुत दिखाते हैं। दुबई तो महंगा है यार, उसका पता है। कुवैत बस मैंने एक मूवी में देखी थी ना, तब से थोड़ी सी वो रहता था कि कैसा है सब कुछ वहाँ पे, क्योंकि मूवी में जो दिखाया था वो बहुत नॉर्मल सा जगह देख के लग रहा था। कुवैत मामा जी रहते हैं मेरे। अच्छा, रीना जी का मैसेज आ गया। हाँ रीना, अच्छा हाँ रीना मेरी बहन है, सिस्टर है। मेरे को किसके मैसेज आए, उनका नाम रीना है, मेरा बीना है। रीना दानापुर, ओहो ललन जी सब पढ़ लेते हैं आप। हाँ दानापुर पटना में रहती हैं वो, पता है आपको, दानापुर कैंट एरिया है, पटना में है। कुवैत नॉर्मल ही है जी, हाँ इसलिए तो मैं पूछ रही थी ना कि मतलब कैसा है। मूवी में तो कुछ भी दिखाते हैं ना, उतना ओरिजिनल थोड़ी दिखाएंगे। उसमें कुवैत और पता नहीं एक और कहीं का दिखाया था, दो तीन एयरपोर्ट का दिखाया था। बाहर जाते हैं ना तब पता चलता है कि ना अपना इंडिया ही सबसे अच्छा है। मेरे एक भाई है वो भी बांग्लादेश या पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो भी बोल रहे थे कि नहीं सब नॉर्मल ही है, अपना अपना देश ही सही है, अच्छा है हर जगह। बिहार वाले हैं हम लोग। नहीं बाहर जाओ तो अपना देश ही मतलब अपनापन लगता है, कोई भी शहर में रहो हर चीज़ अपना अपना सा लगता है। अपना इंडिया सही है, हाँ कृष्णा भाई वही तो, ऐसे लगता है ना कि पैसे वहाँ ज़्यादा हैं या देख के अच्छा अच्छा सा लगता है, बट जब वहाँ जाओ रहने ना तो उधर अच्छा नहीं लगता है, वो लोग अलग नज़र से देखते हैं अपने को, थोड़ा नीच दिखाते रहते हैं। अभी 8 बजे हैं यहाँ, और यहाँ 10:30 बज रहा है ललन जी। बिल्कुल इंडिया इज ग्रेट। कुवैत में गर्मी बहुत है ना, हाँ बोलते तो हैं गर्मी है उधर। ओ मौनजी जी हाय वेलकम, पार्टी वार्टी हो गया क्या? हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। पार्टी चल रही है या हो गया आपका पार्टी फिनिश? बिल्कुल सही कृष्णा भाई, हाँ तो वो सब कंट्री में थोड़ा गर्मी रहता है, फेमस है वहाँ का, तो जैसे अपने इंडिया में राजस्थान का बोलते हैं गर्मी बहुत होती है। बॉन्डी जी नमस्ते बोल रहे हैं, कृष्णा ललन जी बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही किटी जी, हाँ तो आप लाइफ टाइम उधर ही रहेंगे ललन जी, या फिर बाद में मतलब कुछ साल बाद आ जाएंगे इधर ही काम करेंगे? दुबई में बहुत गर्मी है, गर्मी एसी नहीं होता तो सीधा ऊपर। अच्छा हाँ दुबई का भी सुना है मैंने, उधर बहुत गर्मी होती है। वीरेन भाई वेलकम, कैसे हैं भाई? राधे राधे। और ललन जी हंस रहे हैं। हाँ क्या करेंगे, लाइक बोल रहे हैं वीरेन भाई। थैंक यू भाई, कैसे हैं आप? खाना हो गया है आपका और आ गए आप नोएडा? पावनी जी वंस अगेन वेलकम, हाय फ्रेंड्स न्यू कम। पावनी जी आपको बी नाइक जी ने किया था, आप चले गए थे ना, तो उन्होंने आपको LTR भी किया है, उन्हें वापस कर देना, मैंने बोला वो आएंगी तो मैं बता दूंगी। और राधे राधे बोल रहे हैं वीरेन भाई, राधे राधे भाई आपको भी, कैसे हो? और रेशमी जी नमस्ते बोल रहे हैं, कृष्णा भाई पावनी जी बोल रहे हैं, रेशमी जी कम। और तो पावनी जी आप रेशमी जी के कम्युनिटी पे LTR कर दो सिस्टर, वो आपको पक्का वापस कर देंगे। और ललन जी बोल रहे हैं नहीं जी आ जाएंगे अब,
अच्छा अभी फाइनल आ रहे हो क्या ललन जी? उसके बाद नहीं जाना है आपको उधर? हाँ यार, इंडिया में ही देखो काम, कहाँ जाते उधर इतनी दूर फैमिली छोड़ के। ललन कम बोल रहे हैं, पावनी जी, कृष्णा बोल रहे हैं, पावनी जी नमस्ते, मौंडी जी बोल रही है, प्रिंसेस, प्रिंसेस आई थी बट चली गई, पता नहीं क्यों जल्दी चली गई। सभी को राधे राधे बोल रहे हैं, वीरेन भाई राधे राधे भाई, कृष्णा भाई बोले ललन केयर जी क्या जॉब है आपकी वहाँ? एसी का जॉब है कृष्णा भाई बहुत चलता होगा ना। और भाई सैनिटाइजर दे रहे हैं, और ललन जी बोल रहे हैं अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ ठीक है ललन जी, आप खाना वाना खा लो, थैंक यू सो मच, आप बहुत देर से हैं, बहुत कुछ बताया मुझे, मतलब नहीं पता था, मन में चलते रहता है ना कि ये ऐसे कैसे होता है वहाँ पे, थैंक यू सो मच। पावनी जी बोल रहे हैं कृष्णा कृष्ण कम, कृष्णा कनेक्ट हो जाइए पावनी जी से। वीरेंद्र भाई सैनिटाइजर लाए हैं, ललन जी बोल रहे हैं फिर मिलेंगे, राम राम जी सबको, ओके ओके ललन जी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, आए आप अच्छा लगा। किरी जी नमस्ते, नमस्ते ललन जी। और वीरेंद्र भाई फिर से सैनिटाइजर लाए हैं, पावनी बोल रहे हैं लल्ला आई एम डन लास्ट वन, तो ललन जी आप कर दीजिएगा, जा रहे हैं तो वापस पावनी सिस्टर को कर दीजिए। और एमपी संगीत आ गई हैं, हेलो एवरीवन, हाय बोल रहे हैं, हाय डियर कैसे हो? पावनी जी बोल रहे हैं चेक रिटर्न करो, हाँ कर देंगे सिस्टर, वो पक्के वाले हैं। और रेशमी सेस बोल रहे हैं कम, तो वीरेन भाई कनेक्ट हो जाइए पावनी किचन जी से। कृष्ण बोल रहे हैं पावनी जी लास्ट 52 डन, तो पावनी से सब चेक कर लो, ओके पावनी जी बोल रहे हैं, ललन जी, ललन जी कर देंगे आपको पावनी सेस। हाय संगीत कम, एमपी जी आप प्लीज़ पावनी जी से कनेक्ट हो जाओ, पावनी जी आपको बुला रहे हैं। और वीरेन भाई इमोजी दे रहे हैं, वीरेन भाई कनेक्ट हो जाइए पावनी जी से। कृष्णा वेट कर रही हैं आपको, और कृष्णा आप हो गया, मैं तब से उनसे ही बात कर रही थी। पावनी जी डन, पावनी सिस्टर चेक कर लो, कर दिया है ललन जी ने आपको, ओके ललन जी थैंक यू, आपने कर दिया, अब आप जाओ खाना वाना खा लो, थैंक यू सो मच। किडू मैं दुबई में इलेक्ट्रिकल में था, टोरनाडो टोरंडो कंपनी में अबू धाबी। अच्छा, अरे मैं वही पूछ रही थी ना कि ये कैसे पहुँचे, ये बिहार से वहाँ कैसे पहुँचे, क्या होता है प्रोसेस, मतलब इस तरीके से जाने का, तो वो सारी चीज़ें मैं पूछ रहे थे। विकास भाई भी रहे ना, वो भी थे, तो वही सारी बातें हो रही थी। ओके लला जी थैंक यू, शुभरात्रि, ओके ओके ललन जी गुड नाइट, शुभरात्रि आपको भी। तो आप भी तो वैसे ही गए होंगे ना कृष्णा, कंपनी के थ्रू इंटरव्यू दे के, इनके इन्होंने भी वैसे ही गए इंटरव्यू के थ्रू। बट दुबई तो मैंने सुना है अच्छी जगह है ना, कुवैत मैंने मतलब ऐसे नॉर्मल है। प्लीज़ मैसेज करिए, 4 मेंबर्स आर वॉचिंग नाउ, 3, 3 लोग वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मैसेज करिए। वहाँ बिहार राजस्थानी पाक ऑल कंट्री के वर्कर मिलेंगे? हाँ, वहाँ तो सभी लोग मिलते हैं ना। पावनी जी बोल रही हैं ओके क्रिस्टन चेक, तो पावनी से डी और एन
में एक स्पेस दिया करिए और सी के बीच में भी स्पेस दिया करिए, ठीक है। एम पी जी बोल रहे हैं पावनी जी कर दिया है पर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ओके, कोई नहीं, आपने कर दिया ना एम पी जी। पावनी आपको कर दिया है एम पी जी ने, आप उन्हें भी कर दो। कृष्णा बोल रहे हैं इंटरव्यू होता है कंपनी का। हाँ, मैंने वही तो पूछा, कैसे चले गए भाई, मतलब इंडिया में तो है ना कि चलो दोस्त साथी है बुला लिया तो चले गए, बट बाहर कैसे जाते हैं। रेशमी का कम एमपी वेट रिटर्न करती हैं पावनी से। पावनी कहाँ से हो आप, आपकी भाषा उन्हें समझ में नहीं आ रही। एमपी जी तो शायद एमपी से होंगे। रहने खाने का भी देते हैं क्या वहाँ पे कृष्णा भाई, अगर कंपनी के थ्रू जाओ तो। ललन जी तो खुद रहते हैं ना, मतलब तीन लोग मिलके, चार लोग रहते हैं शायद। ओके, एमपी डन, चेक रिटर्न। तो एमपी आपको कर दिया है पावनी से। पावनी आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम पावनी। हाँ देते हैं चिकन राइस। अच्छा, तो आप तो फिर नहीं खाते होंगे, वेज भी मिलता है। पावनी जी हिंदी में काम कम करो, पावनी जी हिंदी में कम करो, काम करो। वो पता नहीं कहाँ से हैं एमपी जी। पावनी से वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ, वेज भी मिलता है। अच्छा, तब तो अच्छा है फिर। आजकल एलवी बिल्कुल बेकार चलती है कृष्णा भाई, बिल्कुल ऐसे दो तीन ऐसे ही चल रहा है। हाँ मेरा भी, हाँ आपका भी नहीं होता है अब। अच्छा, बट चलो आपका तो अब मतलब ठीक है, पूरा होने वाला है। अगर सब बातें तो जल्दी हो जाता, लेकिन हमारा तो अभी बहुत टाइम है ना, अभी से ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा। ओह कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं। तो मैं तो बिहार से हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ। एम पी जी ड्रामी नहीं आई, अरे आई थी कृष्णा जी पर वो चली गई जल्दी, कुछ काम होगा। वो आज 9:30 पे आई थी और मुझे लग रहा 10-15 मिनट रुकी थी, वो चली गई। एम पी जी चूरू राजस्थान। अच्छा, आपके लिए पूछ रहे हैं। हाँ चूरू से हैं आप ना। प्लीज मैसेज करिए, दो लोग हैं आपके तो निकल गए कृष्णा भाई, जर्नी कंप्लीट। और एक आपका हो गया, मैं उस टाइम ना कम आवाज़ की थी, चार्ज में भी लगाई रहती हूँ ना। आपका एक हो गया मोनो, तो उसका सैलरी भी आ गया क्या कृष्णा भाई। एमपीजी कम, हाँ एमपीजी कनेक्ट हो जाइए कृष्णा जी से, कृष्ण ब्लॉक से। बताया नहीं कृष्णा भाई आपने, मैंने सुना नहीं था उस टाइम। एमपीजी डन लेटर वीडियो WT आफ्टर देंगे, लेटर वीडियो
आफ्टर देंगे, वेट आफ्टर देंगे। एमपीजी हैं तो वो 2K वॉचिंग है। बताओ ना कृष्णा भैया, आपने वो किया था क्या, आपका एक वाला चैनल जो मोनो हुआ था उसका सैलरी आया क्या? हाँ हमारे कुछ मोनो हैं फैमिली चैनल। फैमिली चैनल मतलब आपके घर वालों का है क्या, मतलब कोई आपके फैमिली में से है उनका चैनल? मेरा फर्स्ट सैलरी आया बट कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? मोनो के बाद भी ये सब प्रॉब्लम जारी रहेगा क्या? कुछ कुछ लगा रहेगा। एमपी जी आप हैं तो प्लीज़ कृष्णा जी को वापस कर दो। दो लोगों की वॉचिंग है, फिर मैसेज सिर्फ एक आ रहे हैं। वो कौन सा चैनल है भाई, हमें भी फ्रेंड बना लेना, हम भी कर देंगे उसको। कृष्णा आप लेटर दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा। हाँ उन्होंने दिया है एमपी जी, मैसेज करो। हाँ एमपी जी ही हैं, मैं वही कह रही हूँ कि दो लोग हैं तो फिर कौन है दूसरा। ओके एमपी जी लेटर देता हूँ, वेट करके। हाँ डब्ल्यू वॉच करके दे दीजिए, कर देंगे वो। प्लीज़ मैसेज करिए जो भी है।
कृष्णा भाई आप हैं तो मैसेज करिए प्लीज़। MPG फुली WTLT दिया चेक तिरछी नजरिया। अच्छा गाना है, चले गए शायद, अभी इवन हुआ, कोई नहीं उनको मिल जाएगा। कृष्णा भाई फोटो देखा, अच्छी है बट एज बहुत कम है ना। हाँ देख के फोटो लग रहा था। कब है डेट वगैरह फाइनल हो गया क्या कृष्णा भाई आपका? मैं सारा को आज मतलब अकेले में रहती अभी तो बताती कि मैं अभी पिक लगाऊंगी, कल जल्दी जल्दी में बंद किया तो बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छी है वैसे। और कब है डेट फाइनल, मतलब डेट कब की रखी गई फुल एंड फाइनल? हाँ वो तो है, तभी तो फोटोज़ वगैरह सब कुछ आ गया है। हुई कि नहीं आपकी लॉकडाउन आफ्टर? हाँ, वही नवंबर में होएगी शायद। मेरे यहाँ भी एक मेरे देवर हैं, उनकी शादी पक्की हुई है बट अभी इसी की वजह से डेट फाइनल नहीं हो रहा है, तो देखिए कब तक होता है। बात होती है आपकी, डेट फिक्स करेंगे। हाँ, वही तो प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरे यहाँ भी है एक, और इसी के चक्कर में डेट फिक्स नहीं कर पा रहे। एंगेजमेंट करेंगे और डेट बाद में रखेंगे। मैं पूछ रही हूँ आप बात करते हो कि नहीं, गंदा नाम है ना। सब रहते हैं तो फिर पूछने में नहीं बनता ना, इसलिए अभी कोई नहीं है, मैं वन है, आप ही हैं बस। नहीं किड्डू उस दिन सबको उल्लू बना के गया, एलवी में नहीं आया। उल्लू बना के गया, एलवी में नहीं आया। हाँ वो तो मुझे पता है, तो उस दिन एंगेजमेंट थी ना आपकी चिंदा। हाँ, मैंने देखा था, लिखा था ना उनके शायद व्हाट्सएप वगैरह का फोटो था तो उस पे लिखा था। अच्छा है, अब गाते रहना, चंदा है तू मेरी। बात हुई थी उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन। सही है, अभी बताना भी नहीं जब तक थोड़ा सब कुछ फाइनल ना हो जाए। मैंने भी किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा तब तो आप कुछ भी बोल रहे होंगे, आप तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। चलो अच्छा है। नंबर वंबर लेके आए कि नहीं आए? नंबर ले आते, फ़ोन पे बात अच्छे से होती है, सामने तो पहले थोड़ा डरते हैं ना, वो भी डरती हो, डर रही होगी। आपके मतलब आपके साइड की ही हैं? अभी बात नहीं करता नंबर, अभी बात नहीं करता नंबर है। अच्छा, तभी आपने वहाँ उनके व्हाट्सएप से फ़ोटो निकाला था। व्हाट्सएप कर लो ना कृष्णा भाई, लगता है ना कब बात करे बात करे। हाँ अच्छा है, चलो कोई नहीं करो, अच्छा रहेगा ना, अभी से थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो अच्छा रहता है, घर वालों से मतलब पूछ के। उनको पता है कि आप YT पे मतलब करते हो? तो
तो आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप बिजी हो जाएंगे, फिर हमारा WT कौन कराएगा? कृष्णा भैया जल्दी से हम लोगों का करा दो जल्दी पूरा। हाँ चैटिंग हो जाती है व्हाट्सएप पे, ओहो दांत दिख रहे हैं, चलो बढ़िया है फिर तो। हाँ यार थोड़ा अच्छा लगता है ना, पहले से थोड़ी बहुत जान जाओ तो फिर बाद में बात कर लेना, अभी चैटिंग हो रही तो अच्छी बात है। तभी आजकल आप लेट आते हो, चैटिंग के चक्कर में बैठे रहते हो। कोई नहीं यार वो ज़रूरी है हमारा, आप LV प्ले कर देना दूसरे मोबाइल में या कंप्यूटर जो भी होगा। मैं देख रही हूँ अगर कोई आएगा तो पट टॉपिक चेंज। हाँ सब कुछ जान लेना, पसंद नापसंद सब कुछ अच्छा लगता है पहले से जान के रखो तो। एंगेजमेंट में तो सारे फैमिली आए होंगे ना, उधर के सब लोग और आपके यहाँ के सब। WT हो जाएगा, टेंशन मत करो। हाँ वही तो टेंशन है बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। हाय नहीं जी वेलकम, हाय मे आई कम? नहीं यू मे गो। नहीं हाँ सेम, हाँ सेम होता है हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है इसलिए मैं पूछी। नहीं जी नमस्ते बोल रहे आप कृष्ण? और नहीं जी आपका खाना हो गया? ओके बाय थैंक्स। हाय साबिर, साबिर हाय बोल रहे आपको कृष्णा। खाना हुआ साबिर आपका? साबिर भी आया था और चला गया था। नहीं बोल रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते। खाना हो गया? अच्छा अच्छा लाइक LV लाइक तो उतने ही हैं कृष्णा भाई, कोई बात नहीं। नहीं जी डिनर बोल रहे कृष्णा। आपके कितने हो गए हैं WT कृष्णा भाई? कि नेक्स्ट मंथ आप बोल रहे हो कंप्लीट हो जाएगा। आप कितने महीने से कर रहे हो लाइव? 6 महीने हो गए शायद ना आपको, आपने जब स्टार्ट किया था मैं स्टार्टिंग में जाती थी उसके बाद फिर गई नहीं। वीडियो पे आया करो ताकि LTR मिले हमें भी याद रहे। अरे तो मैंने देखा तो था आपका लेटेस्ट मॉल 91 वाला था ना, वो तो पूरा देखा था। वही है ना ऐप्स वाला जो आप बता रहे थे कि रिव्यू करना होता है, 1 घंटे का काम है बस। जिसमें डिफरेंट आईडी आप बना के करते हो मुझे सही लग रहा था। इंस्टा पे बताओ ना कैसे करना है, वो मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। आपको नहीं बोल रहा हूँ किड्डू, न्यू को बोल रहा हूँ। अच्छा वही तो मैं बोल रही हूँ आपके जो भी वीडियो आते मैं तो देखी हूँ।
चले गए, सब वन हो गया फिर से। चलो कोई बात नहीं, 11 बज गया। अभी चंपा से इसके एलवी में जाना है। आजकल नहीं करता, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, वो रिव्यू वाला ये पूछ रही हूँ। कृष्णा भाई, कितने महीने से आप एलवी कर रहे हो? हम तो अभी स्टार्ट किए हैं ना। चंपा, हाँ संपा नाम है, सॉरी संपा नाम है, मैं चंपा बोलती हूँ। 11 बजे से है उनका, देखती हूँ, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ हुआ है, अभी उनका ऑन हुआ है, एक मिनट। अभी न्यू ग्रुप में, पीहू में, पूजा जी में, सीमा जी, रीता जी, इन सभी लोगों में आती हैं, शंभु में भी आती हैं, न्यू ऐड हुई हैं ग्रुप में, तो मैं आज पहली बार उनके में जाऊंगी। काफ़ी डेज से, हाँ वो तो डेज तो पता है, इसलिए मैं पूछ रही, कितने महीने हुए आपको? मुझे तो लग रहा है 1.5 महीने हो गए, अभी इतने में ही पक गई हूँ मैं। रीता जी नहीं आती, हाँ नहीं आती हूँ, बात नहीं, जाने दो, अब तो आपका होने वाला है, हम लोग ही काफ़ी है ना। मैं जब देखती हूँ आपका ऑन करके छोड़ देती हूँ, पूरा उतना चलता है आपका, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे से मतलब 10 मिनट हो सकता है, कम ही चलता हो, क्योंकि मैं फिर 9 बजे में 10 मिनट 5 मिनट कम रहता है तो फिर बंद करती हूँ। 4 मंथ्स, अरे कृष्णा भाई क्या हमारा भी हो जाएगा क्या 4 मंथ में? 1.5 महीने तो निकल गए कृष्णा भाई, उससे पहले भी करता था। अच्छा, तब तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा। थैंक यू, आपका तो हो जाएगा, अच्छी बात है, चलो टेंशन फ्री हो जाओगे, नहीं तो फिर मतलब शादी के बाद फिर थोड़ा टाइम नहीं दे पाते ना ऐसे। 2-1 हो गया, सॉरी। ऐसे एलवी वगैरह से फ्री रहोगे ना, सिर्फ सबका चला दोगे तो उसमें देखना नहीं पड़ता है, ऑन करके छोड़ दिया तो वो चलता है, बट ये एलवी में घूमना, एलवी में बैठ के खुद एलवी करना बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई। चलो अब जाती हूँ मैं भी, देखो कैसी एलवी चल रही है। एक लोग कब से हैं आप, सिर्फ क्या WT मिलेगा ते है ना, काम भी बहुत होता है। अच्छा बॉफ है, सॉरी, 2 टाइम तो कर रही हूँ इसीलिए कि थोड़ा जल्दी से कुछ आ जाए, अभी आधा भी नहीं हुआ है। मैं चला दूंगा अभी ज्ञानी जी की LP आफ्टर पक्का, वो तो आप चला दोगे, मुझे यकीन है वो बाद में भी आप चला दोगे। एक दो लोग ऐसे होते तो सही रहता, जल्दी हो जाता, वो बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा पता नहीं कब तक। मैं सोच रही थी इस साल तक हो जाए तो टेंशन फ्री हो जाए। कृष्णा क्या कर रहा है? कृष्णा गया है आज खेलने के लिए, गया ले गए उसके पापा, हाँ इसीलिए सन्नाटा है, नहीं तो कब कितनी बार आ चुका होता वो। सबसे वन की वॉच नहीं है एकदम,
पाव नहीं बोल रहे, हाय एक कम। एक जी तो नहीं है पावनी से, सभी वो नहीं है। अगर आप उनको एलटीआर कर दोगे तो आपको वापस कर देंगी। अब कोई नहीं आने वाला, ऑफ कर दो। हाँ, ऑफ कर रही हूँ। पावनी से आप उनको लेटर कर दो, वो आपको वापस कर देंगे। अभी वो नहीं है, चले गए हैं। ठीक है कृष्णा भाई, पावनी जी फिर आ गए। हाँ हाय कमरान जी, वेलकम। किडी जी क्या बात है, आंखों में चमकता हुआ सितारा लेके आए हैं, बहुत खुश हैं कमरान जी। कमरान जी अच्छा कनेक्टेड नहीं है क्या? कृष्णा कनेक्ट हो जाइए, इनका भी टेक्निकल ही चैनल है, वो आईटी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। कमरान जी ना बस हाय हेलो करके चले जाते हैं। देखो फिर वन की वॉचिंग हो गई। आपसे बात करूं? कौन सी बात कर रहे हैं ये करिए, अभी मुझे वन क्यों दिखा रहा है? कृष्णा भाई चले गए क्या? जब मैं बंद करने वाली होती हूँ तो एक लोग जरूर आ जाते हैं। बोलिए कमरान जी क्या बात करनी है? किडी जी मेरे को बहुत अच्छा दिखता ऐप के दिखता ऐप के पास आपके पास मेरे को बहुत अच्छा दिखता आपके पास। क्या दिखता है यहाँ पे? क्या दिख रहा है? कमरान जी डन, कृष्णा ने आपको फ्रेंड बनाया, उन्हें वापस कर दीजिए। और आपको ये स्क्रीन एलवी में क्या दिख जा रहा है बाबा? आपकी वजह से कल मैं आ गया घर में। ओहो थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी, मेरी बात की वैल्यू की। अच्छी बात है आप घर चले गए जी। आई लाइक टू टॉक विथ यू, दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी। ओके नाइस टू नो दिस कमरान जी। और डिनर हो गया कमरान जी? पावनी सिस भी चले गए हैं, सिर्फ वन की वॉचिंग है। कृष्णा आप भी चले गए क्या? आपका डिनर हो गया? हाँ जी मेरा हो गया है कमरान जी, आपका हुआ बताइए। आवाज़ आ रही बैकग्राउंड? हाँ बैकग्राउंड में नाइट में जो बोलते हैं ना झिंगुर, उनकी आवाज़ आ रही होगी या हवा की आवाज़ होगी। हाँ जी हो गया। कीप मैसेजिंग कृष्णा, कृष्णा आप सो जाओ, कोई बात नहीं मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है आप कब स्टार्ट करते हैं एलवी? मैं 9 PM पे स्टार्ट करती हूँ, 10 मिनट मतलब लेट ही हो जाता है, कभी 9 PM पे स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप 9:30 तक आया करो ना कमरान जी, सही रहेगा। मैं हूँ ना जी, आप बंद क्यों कर रहे?
अरे कोई नहीं है ना, मैं इसलिए मुझे दूसरी एलवी में जाना है, तो 11 PM पे उनका स्टार्ट होता है, तो बस मैंने सोचा चलो अभी कृष्णा थे ना उनसे बात कर रही थी। ठीक है, ज़रूर आऊँगा। आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। क्या पकाया आपने आज? दाल राइस एंड चोखा एंड एग। आपके घर में कितने हैं लोग? हमारे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी है। किसी का जी बोलो, किसका जी बोलो? संपस इसका है, अभी 11 PM से स्टार्ट किया है उन्होंने, तो मुझे 20 मिनट उधर भी जाना है, इसलिए मैंने सोचा था 11:10 पे जाऊंगी, 11:30 तक रहूंगी। आज आपका एक वीडियो आया है ना, मैंने नोटी देखा था। हाँ अच्छा, 3 लोग। हाँ, 3 लोग, 2.5 लोग, 2.5 लोग, 2.5। और बोलिए, क्या बताऊँ कमरान जी, पूछिए। कल आइए 9:30 पे। कृष्णा आप हैं, मैसेज करिए प्लीज़। हाँ जी, एक नहीं दो, दो विद्स डाला मैं, दो वीडियोस डाला मैं। अच्छा, मैंने एक का ही देखा। ट्यूसडे नो वीडियो, ओके। आपके भी रूल्स हैं, बड़े यूट्यूबर जैसे हुए आप, तो ट्यूसडे को कोई वीडियो नहीं डालते आप, पर आज तो फ्राइडे है ना। यस ओके। आप लाइव नहीं करते हैं, आपके मतलब व्यूज़ अच्छे आते हैं क्या कमरान जी वीडियो पे? आप कब डाले? मैंने तो इधर कोई नहीं डाला है, टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे टाइम एलवी चक्कर लगाती हूँ, बाकी टाइम अपनी एलवी रहती है, तो घर के भी काम वगैरह होते हैं, इसलिए। आपका WT हो गया? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, वरना इतने एलवी के पीछे पागल क्यों होते? नहीं जी, एलवी में मेरा कौन है? मेरा कौन है? नो फ्रेंड। नहीं तो फ्रेंड बनाने से आते हैं ना कमरान जी, आप दूसरों की एलवी में जाओ तो फिर वो लोग भी आपके पास आएंगे, जितना टाइम आप उनको दोगे वो देंगे आपको, ऐसे फिर फ्रेंड बन जाते हैं अच्छे वाले। वैसे हमारे भी कोई दोस्त नहीं थे, बट अभी एलवी करते करते बहुत लोग अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। किटी जी, आप ही हो मेरे फ्रेंड और कुछ लोग। हाँ तो फिर आएंगे ना सब, जितने लोग भी एलवी करते हैं सबके लिए टाइम निकालते हैं हम लोग, अगर नहीं जाते हैं तो फिर एलवी प्ले करते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, यू सेड राइट, यस आई एम ऑलवेज राइट। आपकी वॉइस सो ब्यूटीफुल पैरट। हाँ मैं तोता हूँ ना, तारीफ है यहाँ।
हाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्यूटिफुली कॉम्प्लीमेंट के साथ। यस आई नो कॉम्प्लीमेंट विथ क्रिटिसाइज, दिस इज़ द गुड आइडिया टू मेक हैप्पी एनीवन। क्या आप क्या कर रहे सारा दिन आज? मैं पूरा टाइम ना 1.5-2 महीने से एलवी के चक्कर लगा रही हूँ, बाकी कोई काम नहीं है मेरे पास। चलो आप भी संपा जी के एलवी में चलते हैं, मैं भी बंद करती हूँ नहीं तो फिर मुझे उनके यहाँ लेट होएगा जाने में। कल भी मैं नहीं जा पाई थी, आप इंस्टा पे भी बात नहीं करते मुझे। मैंने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट किया है ना, शायद इंस्टा में बहुत कम यूज करती हूँ। आप कुछ मैसेज भेजोगे तो मैं रिप्लाई करती हूँ, जिसके भी मैसेज आता है तो रिप्लाई करती हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आए थे तो शायद मैंने एक्सेप्ट किया है, कल भी मैंने 2-3 रिक्वेस्ट था उसे एक्सेप्ट किया है। अच्छा जी, अरे विकास भाई अभी तक आप जगे हुए हो? क्या कर रहे थे विकास भाई? फोन आया था क्या आपका? अच्छा 3 की वॉचिंग है, आप हैं और पता नहीं तीसरा कौन है। नक्को जी हाइड में गया आपका कमरान जी, नक्को जी का मैसेज। हम आ गए, हम तो बंद कर रहे हैं, कब से बंद कर रहे हैं विकास भाई। संपस इसके एलवी में जाना है मुझे, लेट हो रहा है, 20 मिनट देना है उनको। हाँ आज रोक दो वो, आज रोक दूँ वो, क्या रोक दूँ? स्वागत नहीं करोगे क्या? हाँ हाँ बहुत बहुत स्वागत है विकास भाई। मेरे लिए वो बंद बैंड कर दो आप, आज कर दो। क्या बंद कर दूँ कमरान जी? संपा की एलवी, चरकी को गोली से मारने का मन कर रहा है। अच्छा अच्छा काम कर रहे थे आप, नहीं मिला आपको? हाँ यार गुस्सा तो आता है ना जब लगे रहो और होता नहीं है, बार बार ट्राई करते रहो तो। क्या बोल रहे हो आप कमरान जी, नहीं समझ में आया। सो जाओ, टर्की टर्की कल कर लेना, दिन में सोचना क्या करना है विकास भाई। मिल तो गया है हाँ, बट वो लैंग्वेज जैसे नाइजीरिया वाला था वैसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैं भी बहुत दिमाग लगाई, कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने क्या कि आपको भेजा, देखो भाई आप देख लो क्या है। मैंने यही तो लिखा था ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लैंग्वेज है ये। और किरी जी आप डेली सुबह कब उठते हो जी? मैं 7 बजे उठती हूँ कमरान जी। कमीनू ने एंथम के नाम पर इतिहास लिख, इतना लंबा है बताओ। वहाँ के बच्चे कैसे याद करते हैं, हमारे यहाँ तो जनगण है तो वो सब याद ही नहीं होता है, बच्चों को भूल जाते हैं। वहाँ के बच्चे भी गाली देते होंगे ना, पता नहीं क्या बनाया है इतना लंबा सा।
उनकी एलवी। हाँ जी, किसकी? संपा आपकी फ्रेंड है? उनकी एलवी। हाँ जी, आप किससे बात कर रहे हैं कमरान जी? आज संपा फिर गुस्साएंगी मुझ पे। किटी जी, आपको तो खांसी है ना? नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक है, अपना ख्याल रखिए ओ प्लीज़। हाँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ कमरान जी। खांसी वासी नहीं है कुछ भी। मेरी एक टाइम थीम कम पड़ गई। अच्छा, जो आप जिस पे वो कॉपी वो स्लाइड बना रहे हो ना, वो वाली बोल रहे हो, वीडियो स्लाइड? ओ मुक्ता सेस, हाय वेलकम। बहुत लेट, आपकी एलवी हो गई क्या? लाइक, थैंक यू मुक्ता सेस। मुक्ता जी, राम राम। आज नहीं की डियर। ओके ओके, 10 से 11 मुझे लगा आपने किया होगा। सर दर्द है? हाँ मुक्ता जी, सबके एलवी में जा जा के कंटिन्यू स्क्रीन पे देख देख के ना सर में दर्द रहता है, आँखों में भी ऐसी चुभन चुभन सी रहती है। सॉरी, भारी भारी सा रहता है सर। क्या करोगे, आप भी 2 टाइम करते हो ना, इसलिए और ज़्यादा हो जाता है। बंदा भाई, राम राम बोल रहे हैं मुक्ता सेस। कैसे हो मुक्ता जी, आपको पूछ रहे हैं विकास भाई। खाना हो गया मुक्ता सेस? डिनर कर लिया आपने? भगवान करे जल्दी से वीडियो बन जाए। बन जाएगा विकास भाई। ठीक हो बंदा भाई? हाँ सिस, हो गया। आज तो मेरा भी हो गया है मुक्ता सिस, इसलिए फ्री हूँ। बस एक सिस है ना, उनकी एलवी में जाना है मुझे, इसलिए मैं कब से बंद कर रही हूँ, बट कोई कोई आ जा रहा है तो फिर ऑन है। हाँ जी बोल रहे हैं कमरान जी। अच्छा आप हैं, मुझे लगा चले गए। इस वीडियो ने तो क्लीन सेव करवाने का भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ सही बोल रहे हो, माथा खराब कर दिया आपका। हा, बोल रहे हैं मुक्ता से। अच्छा मुक्ता जी, आपको भी पता है उनके वीडियोस के बारे में? ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप। ओके, नहीं जी, नो फ्रेंड। ओके ओके कमरान जी, आए तो दिक्कत नहीं, आए तो दिक्कत। हाँ सही बोल रहे हो मुक्ता से। साइड में गया आपका मैसेज, सॉरी। ओके बाय, की गुड नाइट। गुड नाइट मुक्ता से, थैंक यू सो मच। आए, अच्छा लगा, याद कर लेते हो, अच्छा लगता है। चलो विकास भाई, चलते हैं अब। संपा इसकी एलवी में कल वो आई थी, आज भी आई थी। थोड़ा 20 मिनट उनको भी देना है। कौन कौन है? 3 है, प्लीज मैसेज करिए। किटी जी, मैंने आपका दिल दुखाया तो पहले सॉरी अलॉट। अरे नहीं कमरान जी, आपने कोई ऐसा कोई बात नहीं किया है, सॉरी मत बोलो यार।
गुड नाइट जी, बोल रहे हैं विकास भाई। गुड नाइट विकास भाई, थैंक यू। सो जाओ, कल टर्की मरकी के बारे में सोचना फ्रेश दिमाग से। आज कर कितना भी करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। किटी जी, आप मेरी हमेशा दोस्त रहना, ओके ना? ओके ओके कमरान जी, आप भी आते रहना। और विकास भी बोल रहे हैं गुड नाइट सिस्टर। गुड नाइट विकास भाई। किटी जी, आप कब क्रिएट किए थे चैनल? मुझे तो 1 ईयर से ज़्यादा हो गया कमरान जी, 1 ईयर 2 मंथ हो गए, 14 मंथ हो गए। चलो ओके कमरान जी, आप दिन में आ जाना, नहीं तो कल आप 9 PM पे आ जाना। मैं चलती हूँ, मुझे दूसरी एलबी अटेंड करना है। ओके, स्कूल ओपन हो गया जी वहाँ पे? नहीं, अभी कहीं पे नहीं हुआ है इंडिया में तो। कि टर्की तो को आज निपटा कर रहूँगा। अच्छा, ठीक है, फिर निपटा लीजिए। किरी जी, वहाँ का वेदर कैसा है? यहाँ का वेदर बहुत कूल रहता है कमरान जी, इधर बहुत ठंड है। किरी जी, आपका फेवरेट प्लेस क्या है वहाँ पे? ऐसा मुझे अभी कोई फेवरेट नहीं है भाई, ये छोटा सा प्लेस है, कोई मतलब बड़ी जगह नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कुछ। छोटा सा एरिया है ना इसलिए। यहाँ और हैदराबाद में चार मीनार है जी, फेमस। हाँ तो आप मतलब टाउन में रहते ना, सिटी है हैदराबाद, बहुत अच्छी सिटी है, तो इसलिए आप बोल रहे हो। बट मैं जहाँ रहती हूँ ये छोटा सा शहर है, कस्बा बोलते हैं ना, उस टाइप का है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बोलूँ, घूमने वाली जगह है बट यहाँ से दूर है। AK-47 लेकर आया हूँ उसके लिए। अच्छा, डर के साथ टर्की कुछ समझ आए। आई डेफिनेटली ट्राई टू कम कम जी, यस। सो बी रेगुलर फ्रॉम टुमारो। मेरा अभी पता नहीं चला, घूम रहा हूँ अभी तो। देखना भाई, सो जाओ, कल कर लेना फ्रेश। मतलब फ्रेश डे स्टार्ट होता है ना तो कुछ न्यू आ जाता है माइंड में। सो जाओ आज, आप वैसे भी बहुत लेट हो गया है। नहीं जाना जी आज आप कहीं पर? अरे नहीं, मुझे वो 2 दिन से आ रही हैं, अच्छा नहीं लगता। मत जाओ किटी जी आज, डोंट गो एनीवेयर किटी जी अभी। नहीं भाई कमरान जी, जाना है, आप कल आ जाना, कल 9:30 तक आ जाना आप, ठीक है? सपोर्ट कर देना कल। वो 2 दिन से आ रही ना, अगर मैं नहीं जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता खुद को। फोर मेंबर कौन कौन है यार? अभी तो 3 था, 4 कैसे हो गया? प्लीज़ मैसेज करिए सब लोग। केरी जी, मैं यहीं पर, आप मत जाओ। अच्छी बात है कमरान जी आप हैं, बट आप ना हमेशा जाने के टाइम ही आते हैं। कल भी आप ऐसे ही आए थे जाने के टाइम, और आज भी। किटी जी, जब मैं टेंशन में होता हूँ तब मैं अच्छा काम करता हूँ। अच्छा, तब तो ठीक है, कर लीजिए। शायद टर्की के अलावा भी कोई और कंट्री का पूरा हो जाए। आपका WT कितना हुआ, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो ना। अच्छा, भेज दूँगी आपको। किटी जी, कल लिंक भेजूँगा, आप वहाँ आइएगा। क्या LV का, किस चीज़ का लिंक है विकास भाई? और ये भी होता है, मैं देखूँगी
लेट तो पता नहीं, एक बार आपने भेजा था और मैं गई तब तक शायद बंद हो गया था, तो बुरा मत मानना। ओके विकास भाई, तो मैं बंद कर दूँ क्या? कमरान जी, मेरा पूरा करवा दे डब्ल्यूटी। हाँ, वो पूरा नहीं करवाएंगे, बस आपको ना वो देंगे कैसे करना चाहिए। उनके वीडियोस बस देखो आप, वो आपके नहीं देखते हैं, है ना कमरान जी? आप हमारे पूरा करवाएंगे तब तो, बस वो अपने वीडियो पे बुलाएंगे, हमारे घर आना, चाय पे आना। और हमारे विकास भाई का भी पूरा करवा दो, सॉरी करवा दो। हाँ, आपने वही तो लिखा है, अभी चले गए, अभी नहीं मैसेज करेंगे जल्दी। टीचर जी, यहाँ का होते हैं जी। अच्छा कमरान जी, आप अपनी आईडी से, दो दो आईडी से हैं? हाँ कीडी जी, बंद कर दीजिए। ओके कमरान जी, तो मैं बंद कर देती हूँ, आप दो आईडी से हो इसलिए आप आ जाओ मेरे घर। हाँ जी मैं, ओके ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 4 की वॉचिंग दिखा रहा है, मैं तो नहीं जाऊँगा। कहाँ नहीं जाएंगे? हाँ जी मेरी बहुत आईडी है। हाँ तो फिर आप कल 9 बजे से अपनी सारी आईडी मेरे एलबी में लगा देना, ठीक है? थोड़ी सपोर्ट हो जाएगा। और संडे को आस भाई में, किटी जी मत जाओ ना आज, आप आज ही तो मुझे जाना है। कमनान जी 2 दिन से वो आ रही है, न्यू फ्रेंड बनी है, और कोई दिन बोलते तो मैं रुक भी जाती, इसलिए तो आईडी आपकी है, एक विकास भाई की है, फिर तीसरा कौन है? आप क्यों जाना चाह रहे हैं आप? मैंने बताया था ना, 2 दिन से वो मुझे टाइम दे रहे हैं, तो मुझे जाना होता है, आपके लिए मैं हूँ ना। हाँ वो तो है कमरान जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, कल 9:30 पे आप आ जाना। ठीक है, अरे क्या हो गया मतलब? आप एलवी प्ले कर दीजिए मेरी, अगर आपको आप फ्री है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आप पहले मेरे से नाराज हो? नहीं तो मैंने कब बोला आपसे नाराज हूँ? हाँ जरूर, मैं प्ले करता हूँ, लेकिन आप नहीं गए तो नहीं। कमरान जी जाना है मुझे यार, आप ले मत करो, कोई बात नहीं, बट फ्रेंड होते ना फिर ऐसे विश्वास नहीं रहता ना। अच्छी बात है आप सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप कल आ जाना ना, कल आप 9 PM पे एग्जैक्ट आ जाना, मैं 9 PM पे स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? और जितना टाइम देना है कल देना, आज मैं उनको टाइम दे दूँगी, हाफ एन आवर दे देती हूँ, तो कल मैं शायद नहीं जाऊँ फिर, अगर आज मैं नहीं गई ना तो पक्का मुझे झूठा समझेंगी। हाँ कमरान जी समझा करो, सबके साथ ऐसा होता है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो मैं बंद करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ, 36 टाइम हो गया है। ओके गुड नाइट कमरान जी, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल। ओके okay?